नमस्कार बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 200 MCQs होंगे और जो टॉपिक है वो है एयर वाटर एंड सॉयल तो जो बच्चे कम्पिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे फॉरेस्टर का एग्जाम हो गया उत्तराखंड का या कोई भी एग्जाम हो गया उसके लिए क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में देखते हैं क्या, क्या क्या कहा गया अर्थ इज सराउंडेड बाई ब्लैंकेट ऑफ डैश कॉल्ड एटमोस्फेयर तो एटमोस्फेयर की डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है तो ह्यूज ब्लैंकेट जो है वो किसका है तो वो है एयर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू विच गैस इज मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन दर एयर देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर है अब आपको बताना है एयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी प्रेजेंट है कौन सा कॉन्स्टेंट सबसे ज्यादा है किस गैस का तो वो है नाइट्रोजन गैस का और ये होता है अप्रॉक्सिमेटली सेवेंटी एट परसेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस आपको बताना है इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस भी है तो इसमें जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी कार्बन डाई ऑक्साइड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है द टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ बल्क का मतलब होता है मैक्सिमम क्वांटिटी ठीक है तो अगर आप बल्क में देखेंगे सबसे ज्यादा एटमोस्फेयर में कौन सी दो गैसेज सबसे ज्यादा प्रेजेंट है तो वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन है सेवेंटी और ऑक्सीजन है अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी वन परसेंट तो दोनों का अगर मिक्सचर देखा जाए तो वो हो जाएगा अप्रॉक्सीटली नाइनटी नाइन

परसेंट तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है तो वह आर्गन गैस का ठीक है और अदर जो गैसेज हैं वो कितनी है वो है जीरो पॉइंट जीरो फोर परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्रूफॉल्स है ट्रू फॉल्स है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगा और किसकी वजह से इंक्रीज होगा फैक्ट्री स्मोक की वजह से कारफ्यूम्स की वजह से इंक्रीज होता है हीट रिटेन इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ ठीक है अब ये जो हीट बची ये क्या होगी हीट जो होगी वो हो बाहर नहीं निकल पाती है और एटमॉस्फेयर में रह जाती है ठीक है बाहर नहीं निकल पाती एटमॉस्फेयर के जिसकी वजह से एक फिनना होता है जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है और देखते होंगे आप लोग भी कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जाड़ा भी उस तरीके का इसलिए नहीं होता है ठीक है दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग और इसी ग्लोबल वार्मिंग से होता क्या है जो पोलर आइस कैप्स है वो मेल्ट हो जाती हैं और पोलर आइस कैप्स के मेल्ट होने से फ्लड्स आ सकता है और ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ सकती हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल वार्मिंग के कुछ हमारे पास आर्टिकल्स हैं जो एन में दिए हुए थे उसको आप लोग थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं कि बहुत सारे पेपरों में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में न्यूज़ छपती रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है कौन सा माइक्रोज्म ऐसा है जो सॉयल में रहता है ठीक है और रूट्स में रहता है कुछ प्लांट्स की टेक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एयर में से क्या ले लेगा नाइट्रोजन ले लेगा ले और चेंज कर देगा उसको किस में ऐसे फॉर्म में चेंज कर देगा जिससे जो प्लांट उसको यूज कर सकता है तो वो क्या होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया ठीक है तो राइजोबियम का आप लोगों ने नाम सुना होगा तो क्या है बैक्टीरिया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर सेवन ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या यह बात सही कही गई है तो यह बात बिल्कुल सही कही गई इसका आंसर हो जाएगा ट्रू ठीक है ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस डोन फोटो सिंथिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमन और एनिमल्स सीम्स डैश टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस देखिए बहुत सिंपल सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड जितना हम लोग रिलीज करते हैं ह्यूमन हो गए या एनिमल्स हो गए जितना ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं प्लांट क्या करता है उतना कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है ठीक है या ये कह सकते हैं एब्जॉर्ब कर लेता है जिसकी वजह से एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है एटमॉसफेयर में तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा इक्वल मतलब ये दोनों चीज़ें जो होती हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन में कहा गया है अवर एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सर्फेस तो अगर आप लेयर्स देखेंगे कई सारी लेयर्स होती हैं एटमॉसफेयर की सबसे नीचे से स्टार्ट होती है ठीक है ट्रॉपॉसफेयर स्टेटॉसफेयर मीजोसफेयर एक्सॉस्फेयर ऐसे करके लेयर्स होती हैं आपको बताना है टोटल नंबर कितनी होती है लेयर्स लेयर्स तो टोटल होती हैं हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 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 पे आते नंबर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रोपोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फर्स्ट कहा गया दिस लेयर इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर देखिए आउटर मोस्ट लेयर नहीं होती है एटमोसफेयर की ये बात गलत है इनर मोस्ट लेयर होती है फर्स्ट लेयर होती है नेक्स्ट कहा गया इट्स एवरेज हाइट इज 60 किलोमीटर तो 60 किलोमीटर एवरेज हाइट नहीं होती है ये होती है 13 किलोमीटर नेक्स्ट कहा गया है द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट इन दिस लेयर ये स्टेटमेंट सही है और फोर्थ में कहा गया ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनिना लाइक रेनफॉल फॉग हिल स्टॉम अकर इन दिस लेयर ये भी प्रोसेस जो है ये व्यू पॉइंट जो है सही है इसका मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर इलेवन लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए तो माउंट एवरेस्ट की बात करी जाए कुछ क्लाउड्स की बात करी जाए तो क्लाउड्स भी किस में आ रहे हैं ट्रोपॉसफेयर में ही आ रहे हैं और जो माउंट एवरेस्ट है वो भी किसी में है वो भी हमारे पास ट्रोपॉसफेयर है ट्रॉपॉसफेयर देखिए अप्रॉक्सीमेटली टेन किलोमीटर या थर्टीन किलोमीटर के आसपास तक आता है इसके बाद इसके बाद जो अगली लेयर आती है वो स्ट्रेटॉस्फेयर होती है फिर मीजॉसफेयर आपको मिलेगी फिर थर्मोसफेयर मिलेगी और सबसे लास्ट कौन सी लेयर होगी एक्सॉसफेयर होगी तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है एक्जॉसफेयर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन इसमें कहा गया है अब दी ट्रॉपोस्फेयर लाइज विच लेयर ऑफ एटमॉसफेयर तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रोपोसफेयर के ऊपर कौन सी लेयर है तो वो है स्टेटॉस ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्ट्रटॉसफेयर विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच लेयर ऑफ एटमोसफेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ फिफ्टी किलोमीटर तो फिफ्टी किलोमीटर तक किस लेयर की हाइट होती है अप्रॉक्सीमेटली तो वो जो लेयर है वो है स्ट्रेटॉस नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर कंटेन ओजोन गैस तो ओजोन गैस किस में होती है तो ये भी होती है स्ट्रेटॉस्फेर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो ओजोन गैस है आप लोगों को पता होगा ओजोन लेयर क्या करती है तो जो अल्ट्रावाटीज आती है सन की उसको प्रिवेंट करती है अर्थ में आने से ठीक है तो ओजोन लेयर किसमें ओजोन गैस या ओजोन लेयर किसमें प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट है हमारे स्ट्रेटॉस्फेयर में ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मीजॉसफेयर तो मीजॉस्फेयर से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट uh, है दिस इज थर्ड लेयर ऑफ एटमोसफेयर बिल्कुल सही बात है थर्ड लेयर भी हम लोग ने देखा था स्टेटॉस्फेयर के ऊपर होती है ये भी बात सही है थर्ड कहा गया है इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ एट्टी किलोमीटर ये भी बात क्या है सही है और फोर्थ में कहा गया मीटेराइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम दिस आपने मीटराइड्स के बारे में पढ़ा होगा तो मीटराइड क्या होते हैं जल जाते हैं इसी लेयर में आके ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस और एयर फ्रिक्शन तो चारों की चारों बातें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसमें कहा गया इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रेपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट तो देखिए थर्मोस्फेयर नाम से पता चल रहा है थर्म थर्मिचे मतलब इसका क्या हुआ इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर तो टेम्परेचर जो होता है बहुत तेजी से बढ़ता है हाइट बढ़ने के साथ साथ तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आइडेंटिफाई द इनकरेट स्टेटमेंट बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है थर्मोस्फेयर से रिलेटेड ठीक है तो फर्स्ट कहा गया इट एक्सटेंड्स अपट्टी टू फोर हंड्रेड किलोमीटर बिल्कुल सही है दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन ये भी बात बिल्कुल सही है थर्ड कहा गया रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू दी अर्थ बाय दिस लेयर अब देखिए जो रेडियो uh, वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं वो रेस को भेजती हैं ठीक है यहाँ पे एग्जॉस्फेयर होता है एग्जॉस्फेयर से वो रिफ्लेक्ट होके वापस जिस पर्सन तक आनी होती है वहाँ तक आ जाती है ठीक है या जिस भी टावर तक आनी होती है जिस भी एंटीने तक आनी होती है वो आ जाती है ठीक है तो ये तीनों बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑल ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन आउटर मोस्ट लेफ इज आपको बताना outermost layer कौन सी होती है, कौन इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एग्जोस्फेयर एग्जॉस्फेयर से रिलेटेड कौन सी बात गलत है दिस हैज वेरी थिन लेयर बिल्कुल थिन लेयर है बिल्कुल सही बात है नेक्स्ट आ गया है लाइट गैसेज लाइक द स्पेस फ्रॉम हिस्सर देखिए बहुत सिंपल सी बात है लाइट होंगी ये दोनों बहुत लाइट होती हैं सबसे लाइट गैसेस हैं इसीलिए ऊपर होगी बात है तो, ये दोनों की दोनों बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेदर इज दिस वेदर इज दर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर तो देखिए एटमोस्फेयर की जो हर घंटे की कंडीशन है या दिन पर दिन की जो कंडीशन जैसे आज कोई कंडीशन है कल कोई कंडीशन है तो वो किस में आएगा वो आएगा वेदर की डेफिनेशन बिल्कुल सही बात है लेकिन अगर एवरेज वेदर देखा जाए कई सारे दिनों का एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का एवरेज वेदर देखा जाए तो वो क्या बनाता है वो एक क्लाइमेट बनाता है दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है, है। यहाँ पे देखिए आंसर आ गया है गलती से अर्थ रिसीव्स वन इन देखिए इतना बड़ा नंबर है तो इतने नंबर का वन पार्ट जो होता है वो सन की एनर्जी अर्थ रिसीव करता है तो इसका आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही बात कही गई है नेक्स्ट इज क्वेश्चन ट्वेंटी वन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट मैच है थर्मोमीटर क्या करता है टेम्परेचर मेजर करता है बिल्कुल सही है बैरोमीटर क्या करता है एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है ये भी सही है नेक्स्ट इज रेन गॉज क्या करता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मेजर करेगा ये भी बात बिल्कुल सही है फोर्थ देख लेते हैं विंड वेन क्या करता है मेजर्स द स्पीड ऑफ विंड ये स्पीड ऑफ विंड जो है वो एनिमोमीटर ठीक है एनिमोमीटर मेजर करता है ये मेजर नहीं करता ठीक है ये क्या करता है डायरेक्शन ऑफ विंड बताता है ठीक है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए डायग्राम के रूप में थर्मामीटर क्या करेगा टेम्परेचर को मेजर करेगा थर्मामीटर बना हुआ है बैरोमीटर क्या कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर रहा है इसके बाद रेन वॉच क्या कर रहा है अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मेजर कर रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉक वॉच है ये देख सकते हैं विंड वेन भी इसको कह सकते हैं ये क्या कर रहा है ये डायरेक्शन बता रहा है विंड की, की विंड किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कोई चीज़ कितनी गर्म है वो क्या बताती है तो बताती है टेम्परेचर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो क्या होती है सेल्सियस होती है रिचर जो है वो अर्थक्वेक मेजर करने की यूनिट है बार देखेंगे तो प्रेशर मेजर करने की यूनिट होती है नेक्स्ट इस अब यहाँ पे देख लीजिए सेल्सियस किसने सेल्सियस स्केल किसने इन्वेंट करी है तो एंडर्स सेल्सियस नाम के इंसान ने सेल्सियस स्केल को इन्वेंट किया है नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन ट्वेंटी ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेज एट देखिए फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया वाटर का क्या होता है तो आपको पता होगा जीरो डिग्री होता है और बॉयल्स किस टेम्परेचर पे होता है तो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे होता है तो इसका आंसर ए हो जाएगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव द दैट चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन इज कॉल्ड देखिए सीजन के साथ साथ जब विंड अपना डायरेक्शन चेंज करती है तो उसको बोलते हैं सीजनल विंड ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द डैश इज कॉल्ड वेस्टरली देखिए नाम से ही आपको मिल जाएगा कि उस वो विंड किधर से ब्लो करती है अगर ईस्टरली होती तो वो ईस्ट से ब्लो करती है वेस्टरली है तो वो वेस्ट से ब्लो करती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू डैश टाइप्स और तीन टाइप की विंड्स होती हैं एक हो जाएगी सीजनल विंड एक हो जाएगी लोकल विंड और तीसरी विंड भी अभी हम लोग देखेंगे जिसका नाम है परमानेंट विंड्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विंड दैट ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देखिए फिक्स डायरेक्शन में जो विंड हमेशा ब्लो करती रहती है किसी पूरे साल में उसको क्या कहा जाएगा परमानेंट विंड कहा जाएगा जैसे ईस्टरली हो गई वेस्टरली हो गई ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट विंड परमानेंट विंड में कौन सा नहीं आएगा तो ट्रेड विंड आएगा वेस्टर्लीज भी आएंगी और ईस्टर्लीज भी आएंगी तो इसमें सिर्फ एक गलत आंसर है जिसका नाम है मानसून ठीक है नेक्स्ट इज अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट देख लेते हैं प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बताया गया है विंड सिस्टम देखिए ये प्रेशर बेल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें क्या क्या, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है पहले मैं आपको बताता हूँ जीरो डिग्री पे आप देख सकते हैं क्या है इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और इसी इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को क्या कहा जाता है डोलड्रम्स कहा जाता है ये बात आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इक्विटेटरल इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इज कॉल्ड वॉट तो दे आर कॉल्ड डोलड्रम्स ठीक है इसके बाद देखिए आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होती है और वो ये है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ पे आप देखिए ये भी आप सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट देख सकते हैं और ऊपर भी आप सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को देख सकते हैं इनको क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड्स और अगर पूछा जाए ये किस डिग्री से किस डिग्री तक प्रेजेंट होती हैं तो ये है थर्टी थर्टी डिग्री टू थर्टी डिग्री नॉर्थ और इसी तरीके से थर्टी डिग्री टू थर्टी डिग्री साउथ ठीक है ये दोनों ऐसी इवेंट्स हैं जो हमेशा अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं इनकी लैटिट्यूड की चीज़ से पूछी जा सकती हैं और यहाँ पे देख लीजिए इसी तरीके से पो पोलर स्टडीज़ दी गई हैं ये सब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये दोनो दोनों दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि डोलड्रम्स क्या होते हैं और हॉर्स लैटीट्यूड्स किस उसमें आते हैं ठीक है किस लेटीट्यूड्स में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एस क्वेश्चन नंबर थर्टी मानसून इन इंडिया इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश विंड तो मानसून कैसी विंड है तो मानसून एक सीजनल विंड है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ट वन लोकल विंड्स ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया देखिए लोकल विंड्स की बात करी गई है तो या तो पूरे दिन भर में या तो दिन में ब्लो करेगी रात में ब्लो करेगी या कुछ टाइम पीरियड पे ब्लो करेगी पूरे साल में तो इसको कहते हैं लोकल विंड बिल्कुल सही बात है जैसे हमारे पास लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होती है नेक्स्ट इज थर्टी टू लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लोकल विंड्स का एग्जाम्पल हो जाएगा नेक्स्ट इज थर्टी थ्री लू इज़ अ लोकल विंड ऑफ इंडिया इन नॉर्दर्न प्लेन विच इज़ अब आपको बताना है लू कैसी विंड होती है तो लू का अगर आप आ, मतलब देखेंगे तो सूखी मतलब ड्राई होती है और गर्म होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट इज थर्टी फोर उड़ीसा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया तो अगर आप उड़ीसा देखेंगे जैसे मान लीजिए भारत का मैप है तो ईस्टर्न सी कोस्ट यहाँ कहीं आपको उड़ीसा मिलेगा ठीक है अब आपको बताना क्या है उड़ीसा के बारे में ऊपर थोड़ा सा मिलेगा उड़ीसा ठीक है उड़ीसा के बारे में बताना यह है इस प्रोन टू साइक्लोन्स दैट ओरिजिनेट इन अब किन साइक्लोन से बहुत ज़्यादा प्रोन होती है और कहाँ के साइक्लोन्स इनके पास अक्सर आया करते हैं तो वो है किसके तो ये थर्टी फोर्थ का अगर आप आंसर देखेंगे तो मिलेगा आपको बे ऑफ बंगाल के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए थोड़ी सी बातें भी करी गई हैं कि नाइनटीन में पाँच डिस्ट्रिक्ट्स में आया था ठीक है उड़ीसा की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे साइक्लोन आया था ठीक है फिर सुपर साइक्लोन एक आया सुपरसाइक्स अक्टूबर को 1999 में और यहां पर बहुत सारे डैमेजेस हुए थे और जो डैमेजेस हुए थे वो किसके कारण से होते हैं तो विंड की कारण के कारण होते हैं रेन के कारण होते हैं और टाइडल सर्ज के कारण भी होते हैं ठीक है थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं द डैश इन एयर एट टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी क्या होती है द अमाउंट ऑफ वाटर या मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर ठीक है तो जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एयर में जितनी भी वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है एयर में उसी को क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है ह्यूमिडिटी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स है प्रेसिपिटेशन दैट कम डाउन टू दी अर्थ इन लिक्विड इज कॉल्ड रेन लिक्विड फॉर्म में जो प्रेसिपिटेशन आता है उसको क्या कहा जाएगा रेन कहा जाएगा ये बात बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन तो रेनफॉल भी तीन तरीके के होते हैं जिसमें पहला टाइप है कन्वेंशनल रेनफॉल ठीक है बिल्कुल सही है दूसरा है रिलीफ रेनफॉल और तीसरा होता है साइक्लोनिक रेनफॉल तो ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही है कोई भी इसमें गलत नहीं है तो इसमें हो जाएगा नन ऑफ दी अबव थोड़ा सा डायग्राम आप लोग देख लीजिए क्या क्या होता है तो साइक्लोनिक रेनफॉल का डायग्राम दिया है ठीक है कन्वेंशनल रेनफॉल जो अक्सर होती रहती है उसका डायग्राम दिया गया है और लास्ट है हमारे पास रिलीफ रेनफॉल ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सनरेज हार्मफुल सनरेज रेज बोले या यूवी रेज बोला जाए ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा सही रहेगा तो ये कौन सी गैस प्रिवेंट करती है तो वो है ओजोन ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है ओ थ्री होता है ये बात याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन थर्टी नाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमोसफेयर इज तो सबसे इम्पोर्टेंट लेयर कौन सी होती है तो उसको हम लोग ट्रोपोसफेयर कह सकते हैं ठीक है थीके? वैसे बहुत सारी ही लेयर इंपॉर्टेंट होती है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर यहाँ देखा जाए तो हमारे पास ट्रोपोसफेयर मिलेगी नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स तो क्लाउड से कौन सी लेयर फ्री होती है ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड्स होते हैं स्टार्टऑर्टी वन एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर द प्रेशर अब आपको बताना है जो प्रेशर होगा जैसे जैसे हम ऊपर जाते आते हैं प्रेशर क्या होता है डिक्रीज होता आता है ठीक है और सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पर होता है सी लेवल पे होता है ये बात याद रखिएगा कि सी लेवल पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्टी टू वेन द प्रसिप्टेशन कम डाउन लिक्विड फॉर्म में जब प्रेसिप्टेशन आता है तो उसको रेन बोलेंगे फिर से आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट इज इट इज द मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन अर्थ लिवेबल देखिए जो मास ऑफ एयर है उसी की वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो कैसा है रहने लायक बन पाया है ये बात बिल्कुल सही है तो इसका आंसर ट्रू होगा द एयर ऑलवेज़ मूव फ्राम हाई प्रेशर एरियाज़ टू लो प्रेशर एरियाज ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है नेक्स्ट मैच द कॉलम देख लेते हैं ट्रेड विंड्स अब आपको बताना है ट्रेड विंड्स कैसी विंड्स होती हैं तो अगर ट्रेड विंड्स देखेंगे तो कैसी हो जाएगी ये परमानेंट विंड्स हो जाएगी लू बताना है लू कैसी विंड है तो लू अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगी आपकी लोकल विंड में ठीक है मानसून के बारे में बात की गई तो सीजनल विंड होती है विंड क्या होता है तो विंड को आप लोग लगा सकते हैं किससे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर से लगा सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमारे मैच द कॉलम हो जाएंगे कहा गया है आर्टिफिशियल इंक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट इज कॉल्ड जो स्मॉल हाउस के प्लांट होते हैं तो जो उसमें आर्टिफिशियल इंटर होता है उसको रखने के लिए आर्टिफिशियल प्लांट्स को या हाउस प्लांट्स को रखने के लिए जो हम लोग इंक्लोजर यूज कर रहे हैं इसको क्या कहेंगे तो इसको कहा जाता है टेररियम ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू है द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन एटमोस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज तो वाटर का जो फॉर्म होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है ठीक है जैसे वाटर होगा तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा फिर वेपर ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं कंडेंस हो जाएंगे तो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं जब ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं इन तो द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो तो इसको क्या कहते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं वाटर साइकिल का तो वाटर साइकिल में देखिए जो प्रोसेसेस दिए गए हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाटर था ये वाटर इवापोरेट होगा हाई टेम्परेचर की वजह से ये इवापोरेट हुआ ऊपर पहुंचा अब क्योंकि आपको पता है वेपर जो होते हैं हल्के होते हैं तो ये ऊपर की ओर पहुँचते हैं ठीक है ऊपर एटमोस्फेयर में पहुंचेंगे अब ऊपर उसको थोड़ा सा कोल्ड टेम्परेचर मिलता है जिसकी वजह से कंडेंस होते हैं जब ये कंडेंस होते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में तो ये एक बड़ा ड्रॉपलेट बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्लाउड कहते हैं अब यही क्लाउड में जब ड्रॉपलेट्स थोड़े से भारी हो जाते हैं तो वो गिरने लग जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन और इन द फॉर्म ऑफ रेन तो रेनफॉल होती है तो ये पूरा जो प्रोसेस है जो पूरी साइकिल है क्या कहलाती है दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं क्वेश्चन थ्री में कहा गया है द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर आर डैश आपको बताना है जो रिव फ्रेश वाटर है उसके मेजर सोर्सेज बताने हैं तो अगर आप ओशन रिवर और पॉन्ड्स ए ऑप्शन को देखेंगे तो ए ऑप्शन में ओशन जो है वो एक फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है बी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन को आप सही कह सकते हैं क्योंकि बी ऑप्शन में रिवर्स दिया है ग्लेशियर्स दिया है और पॉन्ड्स दिए तीनों के तीनों जो हैं वो फ्रेश वाटर के ही सोर्सेज होते हैं थर्ड ऑप्शन में जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा इसकी वजह से जो आंसर हमारा होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी तो हमारा इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है क्वेश्चन फोर में कहा गया है द ओशन बॉडीज एंड द सीज कंटेन डैश वाटर देखिए ओशन बॉडीज की अगर बात करी जाए ठीक है ओशन बॉडीज की बात करी जाए या सी की बात करी जाए तो एक ऐसा पानी रखती है अपने पास में तो इनके पास जो वाटर होता है दैट इज सेन सेलाइन का मतलब क्या होता है सलाइन मीन्स इट इज सॉल्टी वाटर ठीक है तो इसका आंसर सेलाइन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इन डैश वाटर इज सोडियम क्लोराइड तो कैसे वाटर में सॉल्ट होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है तो ओशन वाटर अब आपको पता है ओशन वाटर सॉल्ट ही होता है तो मेनली जो सॉल्ट प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं कॉमन सॉल्ट का फॉर्मला होता है एन ए इज एल नेक्स्ट क्वेश्चन हैल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन डैश ग्राम ऑफ वाटर तो कितने ग्राम ऑफ वाटर में जो सेलिडिटी होती है उसकी बात यहां करी गई है तो सेलिनिटी का मतलब होता है सॉल्ट का कंटेंट जो प्रेजेंट हो कितने वाटर के अमाउंट में तो थाउजेंड ग्राम ऑफ वाटर में तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट इज क्वेश्चन द एवरेज सेलिनिटी ऑफ ओशन इन दस डैश पार्ट पर थाउजेंड तो देखिए पर थाउजेंड की अगर बात करी जाए तो जो सेलिनिटी होती है एक एवरेज की एवरेज ओशन की जो सेलिनिटी होती है वो हमको बतानी है क्या होती है क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं डेड सी इन इसराइल देखिए इसराइल की बात करी गई है यहाँ पे डेड सी की बात करी गई है तो इसका आंसर ट्वेंटी होगा इसका आंसर थर्टी फाइव होगा इस बात को थोड़ा सा आप लोग गौर करिएगा नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट में क्या कहा गया है तो क्वेश्चन नंबर एट हमसे कह रहा है डेड सी इन इजराइल हैज सेवेंटी ऑफ डैश ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर तो आपको बताना है डेड सी की सेलिनिटी जो है वो कितनी है अप्रॉक्सीमेटली तो अप्रॉक्सीमेट अगर आप सेलिनिटी देखेंगे डेड सी की जो इजराइल में लोकेटेड है वो है 340 ठीक है तो 340 फोर्टी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है स्विमर्स कैन फ्लोट इन डेड सी अब देखिए डेड सी में क्योंकि सैलिडिटी ज्यादा होगी सैलिटी सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होगा तो यहाँ की डेंसिटी ज्यादा होगी और डेंसिटी ज्यादा होने से क्या होगा कि जो पर्सन होगा वो आसानी से यहाँ पर स्विम कर सकता है किसमें डेड सी में तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दिस इज ट्रू स्टेटमेंट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टेन द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर विद डैश ऑफ टोटल एरिया तो अर्थ सर्फेस जो है वो वाटर से कितना कवर्ड है तो अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी फाइव परसेंट वाटर से वो कवर्ड है ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे अब आपको बताना है वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट किया था तो आपको पता होगा कंजर्वेशन वाटर को प्रमोट करने के लिए इनकेज करने के लिए हम लोग वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट करते हैं और कब सेलिब्रेट करते हैं तो वी सेलिब्रेट इट ऑन ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है वन द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ ओशन राइजेज एंड फॉल्स अल्टरनेटली देखिए जो सर्फेस ऑफ वाटर होगा ठीक है सरफेस ऑफ ओशन पे जो राइस होता है राइस एंड फॉल ऑफ वाटर होगा उस फिनना को क्या कहा जाएगा दैट इज कॉल्ड वेव ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज वेव्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए वेव्स के बारे में बताया गया है देखिए बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया वेव्स का इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इज कॉल्ड वेव्स नेक्स्ट इस क्वेश्चन थर्टीन ड्यूरिंग अ स्टॉम द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड देखिए आपको पता होगा जब स्टॉम आता है तो जो विंड्स होती हैं बहुत हाई स्पीड में चलने लग जाती हैं बहुत तेजी से हवा चलती है फॉर्म्स ह्यूज वेव्स जिसकी वजह से ह्यूज वेव्स का फॉर्मेशन होता है और जिसकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है प्रॉपर्टी में लाइफ में और बहुत सारी चीज़ों में तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है फर्स्ट कहा गया है इन अर्थ क्वेक अ वॉलकैनिक इरपशन और अंडर वाटर लैंड स्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर तो शिफ्टिंग हो सकती है लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर की तीनों फिनमना से बात बिल्कुल सही है नेक्स्ट इज एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूज टाइडल वेव कॉल सुनामी दैट मे बी एज हाई हैज़ फिफ्टी वन फिफ्टीन फिफ्टीन मीटर इस फॉर्म देखिए इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि सुनामी का भी फॉर्मेशन हो सकता है और सुनामी की जो हाइट होगी वह अप्रॉक्सीमेटली फिफ्टीन मीटर भी हो सकती है द लार्जेस्ट सुनामी देखिए यहाँ तो 15 मीटर दिया गया है लेकिन जो लार्जेस्ट सुनामी अभी तक आई है वो कितने की आई है अप्रोक्सीमेटली 150 मीटर हाई की आई है ये बात भी बिल्कुल सही है और फोर्थ स्टेटमेंट में जो दिया गया है वो कहा है दीज वेव्स ट्रेवल एट स्पीड मोर देन 700 किलोमीटर पर आर तो जो सुनामी वेव्स होती हैं उसकी स्पीड कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली सेवन किलोमीटर पर आर मतलब एक जेट की स्पीड के बराबर की स्पीड इसकी हो सकती है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 द इंदिरा पॉइंट गॉड आफ्टर सुनामी अब देखिए भारत में सुनामी 2004 में आया था दिसंबर 2004 में आया था अब आपको बताना है जो इंदिरा पॉइंट था वो सम्मर्ज हो गया था तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट कहां पर लोकेटेड था तो इंदिरा पॉइंट लोकेटेड था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है सुनामी और दी हार्बर वेव स्ट्रक वॉक ऑन द इंडियन ओशन ऑन ट्वेंटी दिसंबर आपको ईयर बताना है कि कौन से ईयर में आया था सुनामी तो आया था टू में नेक्स्ट इज क्वेश्चन सेवनटीन क्वेश्चन वाटर ट्वाइस इन डे तो देखिए दो बार आ रहा है दिन में. इसको क्या कहेंगे? तो दैट इज कॉल्ड एंड लो टाइड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं ए और बी आपको बताना है इसको वन और टू मान लीजिए ठीक है जो दो स्टेटमेंट है दे आर वन एंड टू आपको बताना है इन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है इट इज हाई टाइड विन वाटर कवर्स मच ऑफ शोर बाई राइजिंग टू हाइएस्ट लेवल अब आपको पता है हाई टाइट है इसका मतलब जो वाटर होगा वो शोर पर ज्यादातर आ जाएगा और क्यों आ जाएगा क्योंकि जो वाटर का लेवल होता है वो बढ़ जाता है सेकेंड कहा गया लो टाइड में लो टाइड में क्या होगा वाटर का लेवल जो होगा फॉल कर जाएगा जिसकी वजह से पानी जो होगा शोर से दूर चला जाएगा तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ वन एंड टू आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है टाइड्स आर कॉज बाय डैश फोर्स बिटवीन मून एंड सन ऑन द अर्थ सरफेस ठीक है मून और सन जो है आपको पता होगा अर्थ के सरफेस पे क्या लगाती हैं एक फोर्स लगाती हैं जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स आते हैं ठीक है दीके? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज देखिए फुल मून की बात करी गई है न्यू मून डे की बात करी गई है द सन द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन देखिए क्या होता है सन की पोजीशन मून की पोजीशन और अर्थ की पोजीशन तीनों सेम लाइन में होती है अब आपको बताना है इसकी वजह से टाइट्स जो होंगे हाईएस्ट होंगे टाइट्स क्यों हाईएस्ट होंगे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा होगा अर्थ पे वो सबसे ज्यादा होगा ठीक है और इन टाइट्स को क्या कहा जाएगा देखिए टाइट्स हाइस्ट होंगे फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको हाई टाइट कहेंगे और हाई टाइट का मतलब क्या होता है दैट इज स्प्रिंग टाइट तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए स्प्रिंग टाइट के दो तरीके के चीज़ें हो सकती हैं सन यहाँ पे है मून इधर है अर्थ इधर है ये पहली एक कंडीशन हो सकती है और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है सन हो गया फिर अर्थ हो गया और फिर मून हो गया मतलब अर्थ पे जो फोर्सेस हैं वो दोनों लोग लगा रहे हैं और सेम ये कह सकते हैं कि सेम तरीके का लगा रहे हैं अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वजह से अर्थ पे जो फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से हाई टाइड आ जाएगी ठीक है नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अब आपको इसमें बताना है नीप टाइड के बारे में when the moon is in the first and the last quarter the ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by gravitational pull of sun and earth resulting in low tides dekhiye low tides ke bare mein baat kari gayi hai to isi ko kehte hain neap tides to ye baat bilkul sahi hai isme aap log ye dekh sakte hain कि देखिए यहाँ पे अगर आप देखें इस वाली position पे जो forces लग रहे हैं इस वाली position पे force कौन लगा रहा था इस वाली position पे force लगा रहा है moon. इस वाले पे अगर आप देखेंगे यहां पर फोर्स कौन लगा रहा है अट्रैक्टिव फोर्स सन लगा रहा है दोनों का कहीं मिला जुला फोर्स नहीं लग रहा है जिसकी वजह से जो टाइड आएगी ठीक है अर्थ पे जो टाइड आएगी वो कैसी होगी लो टाइड होगी या इसको हम लोग नीट टाइड भी बोलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फिर से कंसीडर करिए स्टेटमेंट को जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट अब देखिए ओशन करंट की बात करी गई और कैसे ओशन करंट की वार्म मतलब गर्म ओशन करंट की तो ये कहाँ ओरिजिनेट होंगे इक्वेटर पे ओरिजिनेट होते हैं और किधर मूव करते हैं पोल्स की तरफ मूव करते हैं बात बिल्कुल सही है नेक्स्ट कहा गया द कोल्ड करेंट्स कोल्ड करेंट्स के बारे में बात करी गई है कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स देखिए उसी का उल्टा होगा करंट में ये कहां से मेनली ओरिजिनेट हो रही हैं या वाटर कहां से कैरी करती हैं पोल से और कहां पहुंचती हैं फिर ये अलग अलग लेटिट्यूड तक या ट्रॉपिकल एरियाज तक पहुंचती हैं दोनों बातें बिल्कुल सही हैं तो उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री देख लेते हैं लेबराडोर ओशन करंट इज डैश वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज अ डैश करंट तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करंट जो है वो हॉट करंट है कौन सा करंट कोल्ड करंट है तो ट्वेंटी थ्री में अगर आप देखेंगे तो जो लेबराडोर ओशन करंट होता है वो कोल्ड होता है और जो गल्फ स्ट्रीम होती है वो कैसी होती है गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट ठीक है नेक्स्ट इस यहाँ पर थोड़े से आप लोग करंट्स भी देख सकते हैं करेंट्स के बारे में देखिए बताया गया है ठीक है देखिए यहाँ पे लेब्राडोर करंट आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा देखिए लेब्राडोर करंट है ठीक है कोल्ड करंट में आ रहा है क्योंकि देखिए यहाँ कहीं ना कहीं ऊपर से आ रहा हो किधर की ओर आ रहा है ये पोल इक्वेटर की तरफ आ रहा है जितने भी आपको रेड मार्क्स दिखाई पड़ रहे हैं ये ज़्यादातर जितने भी रेड मार्क्स हैं वो सबके सब हॉट करंट इंडिकेट करते हैं और ये जितने भी रेड मार्क्स होंगे ये अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादातर कहाँ से जनरेट हो रहे हैं कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं ये ओरिजिनेट हो, हो रहे हैं इक्वेटर से ठीक है इसके बाद देखिए बहुत सारे आप यहाँ पे करेंट्स को देख सकते हैं ठीक है मेन जो आपको ये करंट देखना है ये देखिए ओआशियो और कुरेशियो यहाँ पे देखिए दो करंट आपको दिखाई पड़ेंगे एक हॉट करंट है कुरुशियो करके और एक ओआशियो है जो आपके पास एक कोल्ड करंट मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन ट्वेंटी फोर द एरियाज वेयर द warm एंड कोल्ड current मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पर वार्म करंट और कोल्ड करंट मीट करते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं सबसे ज्यादा वो फिशिंग ग्राउंड का एरिया हो जाता है ठीक है अब इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जैसे सीज अराउंड जापान हो गई ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका हो गई ये इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर बहुत अच्छे फिशिंग ग्राउंड आपको मिलेंगे नेक्स्ट इज क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड current मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस सिर्फ ये नहीं सिर्फ वो जो एरियाज होते हैं रास्ता पता करना कि किधर जाना है किधर नहीं जाना वो थोड़ा सा टफ हो जाता है तो ये बात बिल्कुल सही है ट्रू ऑप्शन हो जाएगा इसका नेक्स्ट इज क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर तो कहां से ओरिजिनेट कर रहे हैं इक्वेटर से नेक्स्ट इज क्वेश्चन द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ट्वाइस अ डे इसको क्या कहा जाएगा टाइट्स कहा जाएगा अभी हम लोगों ने देखा था नेक्स्ट इज ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन ओशन सरफेस इन डिफरेंट डायरेक्शन देखिए ओशन करेंट्स की डेफिनेशन दे दी गई है क्या होती है डेफिनेशन ये स्ट्रीम ऑफ वाटर होते हैं जो कॉन्स्टेंटली फ्लो करते हैं किसमें ओशन के सरफेस में और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है रिगार्डिंग ओशन करेंट्स नेक्स्ट इज यहां पे देख लीजिए इसमें मैच द दैच मैच मैच आपको करना है ठीक है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैस्पियन सी क्या होती है तो कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक है ठीक है आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कि ये लार्जेस्ट सॉल्टी सलाइन वाटर लेक है ठीक है नेक्स्ट इज टाइड टाइड की अगर बात करी जाए टाइड क्या होता है तो टाइड का भी देखिए ऑप्शन बिल्कुल सही है पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर सुनामी क्या है ठीक है सुनामी अगर आप देखेंगे सुनामी स्ट्रॉन्ग वेव्स होती है भी सही है और ओशन करेंट्स क्या होते हैं स्ट्रीम ऑफ वाटर अलॉन्ग डेफिनेट पाथ तो ये स्टेटमेंट सारे के सारे अपने आप में ही सही लगे हुए हैं विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे तो आपको बताना है वर्ल्ड वाटर डे किस डे को मनाया जाता है फर्स्ट ऑप्शन दिया है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ फरवरी बी ऑप्शन दिया है ट्वेंटी मार्च थर्ड इज ट्वेंटी अप्रैल एंड फोर्थ इज ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मे तो देखिए जो वर्ल्ड वाटर डे है वो मनाया जाता है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मार्च को तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा दो बातें और समझ लीजिए कि जो ट्वेंटी अप्रैल है इसको वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है और जो ट्वेंटी मई होता है दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ठीक है तो बायोडायवर्सिटी डे के रूप में इसको मनाया जाता है तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज तो देखिए यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड नहीं है मतलब जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है वाटर शॉर्टेज के लिए पहला दिया है रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज बिल्कुल सही है देखिए जब ग्रोथ होगी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा जब बढ़ती हैं तो वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती है और वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा धीरे धीरे करके वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट मतलब ये तो आपका होगा सेकंड में देखिए क्या कहा गया इंक्रीज पॉपुलेशन पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भी देखिए वाटर की डिमांड बढ़ेगी और वाटर की डिमांड बढ़ेगी तो वाटर की शॉर्टेज भी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ये दोनों ऑप्शन तो गलत है मतलब ये दोनों तो होते हैं हैवी रेनफॉल अब देखिए बोला गया था नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर शॉर्टेज वाटर शॉर्टेज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो अगर हैवी रेनफॉल हो रही है तो कहीं ना कहीं वाटर शॉर्टेज नहीं होगा तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा बाकी जो फोर्थ ऑप्शन दिया है मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स इससे भी वाटर शॉर्टेज होता है तो किससे नहीं होता सिर्फ तो इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा दैट इज इजी रेनफॉल नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है द टोटल वाटर अब देखिए टोटल वाटर के आगे आपको ब्लैंक दे दिया गया अब आपको बताना है क्या ऑप्शन सही होगा तो फर्स्ट ऑप्शन है इन द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड रिमेन कॉन्स्टेंट तो देखिये जो टोटल वाटर है क्या लेक और रिवर का कॉन्स्टेंट रहता है फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है सेकेंड में कहा गया टोटल वाटर अंडरग्राउंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर होता है ग्राउंड वाटर होता है क्या वो हमेशा सेम रहता है थर्ड में दिया गया टोटल वाटर इन द सीज एंड ओशन ऑफ दर्ल्ड रिमेन मतलब जो सी और ओशन जो समुद्रों में वाटर होता है क्या वो कॉन्स्टेंट होता है ठीक है और फोर्थ में दिया गया है द टोटल वाटर ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कॉन्स मतलब पूरे विश्व में जो भी पानी है क्या वो कॉन्स्टेंट रहता है तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा मतलब पूरे विश्व में जिस जिस जगह पे पानी है मतलब जो जो हमारे पास मीडियम्स है सोर्सेज है वाटर के उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो हमेशा क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है तो इसमें फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर

नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो वाटर शॉर्टेज तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वाटर शॉर्टेज शो नहीं करता तो देखिए टैप्स रनिंग ड्राई तो अगर टैप्स ड्राई है मतलब अगर पानी नहीं आ रहा है टैप्स में तो कहीं ना कहीं वाटर शॉर्टेज को शो करेगा सेकेंड में कहा गया लॉन्ग क्यूज फॉर गेटिंग वाटर देखिए बहुत बड़ी बड़ी अगर लाइनें लगी हुई हैं पानी को पाने के लिए या कह सकते हैं वाटर को ऑप्टेन करने के लिए तो ये भी कहीं ना कहीं वॉटेज वाटर शॉर्टेज शो कर रहा है दोनों ऑप्शन सही हैं थर्ड में कहा गया मार्चेज एंड प्रोटेस्ट फॉर डिमांड ऑफ वाटर अब देखिए अगर मार्च निकाले जा रहे हैं प्रोटेस्ट किया जा रहा है वाटर के लिए तो कहीं ना कहीं ये भी वाटर शॉर्टेज को ही शो कर रहा है पूछा क्या गया था डज नॉट शो मतलब जो वाटर शॉर्टेज को शो ना करे तो फोर्थ ऑप्शन देखिए ये जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा क्यों इसमें कहा गया फैमिली गेट्स थ्री बकेट ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे मतलब पर पर्सन को कितना वाटर मिल रहा है तीन बकेट मतलब तीन बाल्टी पानी मिल रहा है पर पर्सन पर डे तो ये सफिशियंट अमाउंट है तो कहीं ना कहीं जो फिफ्थ ऑप्शन है दैट इज मतलब फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं सिक्स क्वेश्चन में कहा गया सीज एंड ओशन आर फुल ऑफ वाटर आपको पता होगा ओशन हो गया सी हो गई समुद्र हो गए ये इसमें पानी बिल्कुल भरा पड़ा है बहुत ज्यादा पानी है हावआर अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज अवेलेबल फॉर अस लेकिन हम लोग को जैसे पीने के लिए कह सकते हैं बाकी एक्टिविटीज करने के लिए कुछ ही अमाउंट वाटर जो है वो प्रेजेंट है आपको बताना है कितना अमाउंट ऑफ वाटर है हमारे लिए तो ये अप्रोक्सीमेटली है जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स परसेंट इसमें ए ऑप्शन जो है दैट इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं सेवेंथ में देखिए क्या कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द लिक्विड फॉर्म्स ऑफ वाटर तो आपको बताना है इनमें से कौन सा लिक्विड फॉर्म नहीं है वाटर का तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्नो सेकेंड इज लेक वाटर देखिए स्नो जो है वो सॉलिड फॉर्म होता है ठीक है लेक वाटर तो ये लिक्विड होगा रिवर वाटर ये भी लिक्विड होगा वाटर वेपर तो एक गैसियस फॉर्म है और आइस अगेन क्या है सॉलिड है ठीक है तो क्या पूछा गया था क्वेश्चन क्वेश्चन में question में पूछा गया था नॉट दी लिक्विड फॉर्म्स तो मतलब या तो वो सॉलिड हो या तो वो गैस के फॉर्म में हो तो सॉलिड में कौन कौन सा आ जाएगा स्नो आ जाएगा और आइस आ जाएगा और गैस के फॉर्म में कौन सा आ जाएगा वाटर वेपर तो कौन कौन सा गलत है इसमें ऑप्शन तो आपका हो जाएगा इसका आंसर तो ऑप्शन जो है ठीक है, आशी. पे आते है क्या कहा गया एथ क्वेश्चन में कहा गया अ मैन डिगिंग द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी फाउंड दैट सॉयल वॉज मॉइस्ड अब देखिए एक पर्सन था वो क्या कर रहा था एक ग्राउंड को मतलब खुदाई कर रहा था तो उसने क्या देखा कि जो सॉइल थी वो मॉइस्ट moist थी मॉइस्टर था वहाँ पे एज ही केप्ट डिगिंग डीपर एंड डीपर ही रीच द लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड द गैप बिटवीन द रॉक्स वर फिल्ड विद वॉटर मतलब उसको सिर्फ पानी ही पानी मिला ऐसी जगह पहुंच गया द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर अब उस जो लेयर जो थी उस लेयर की अपर लिमिट क्या कहलाएगी तो उस लेयर की अपर लिमिट कहलाती है वाटर लेवल वाटर टेबल ठीक है तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा ठीक है तो अपर लिमिट इज कॉल्ड वाटर टेबल जो जहां तक पहुंचा है उसकी अपर लिमिट वाटर टेबल कहलाएगी क्वेश्चन नंबर नाइन पे आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में कहा गया इज बेस्ट वे टू यूज वाटर इकोनॉमिकली ठीक है तो वाटर को इकोनॉमिकली यूज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका इसमें से कौन सा है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडीज गलत है रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी गलत है ड्रिप इरिगेशन बिल्कुल सही होगा क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में आपको पता होगा ड्रॉप बाय ड्रॉप जो होता है इरिगेशन होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप मतलब एक एक बूंद करके वहां पर इरिगेशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है वाटर का वेस्टेज बिल्कुल नील के बराबर होता है वेस्टेज वाटर का बिल्कुल भी नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल होता है तो इसमें जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर

ड्रॉप की काउंटिंग करना है कोई स्लोगन नहीं है इससे रिलेटेड गलत है सब काउंटिंग ऑफ वॉटर ड्रॉप है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इज दी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा मतलब वाटर की इंपॉर्टेंस आप समझिए कि एवरी ड्रॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ क्वेश्चन में कहा गया वाटर साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ दी फॉलोइंग अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो वाटर साइकिल में इन्वॉल्व नहीं होता है तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इवापोरेशन इन्वॉल्व होता है कंडेंसेशन भी होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स भी होता है इसमें कौन सा गलत है लिक्विड का कन्वर्जन कि तो मतलब होना किसमें गैस फॉर्म में तो लिक्विड अगर गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है बेटा हिंदी में भी है हिंदी में ही समझा रहे हैं इसीलिए ठीक है तो लिक्विड का कन्वर्जन अगर गैस फॉर्म में होता है दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कंडेंसेशन का मतलब होता है लिक्विड जो भी आपकी गैस है जो भी आपका गैस फॉर्म था अगर वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है तो उसको क्या कहा जाएगा उसको कहा जाएगा कंडेंसेशन ठीक है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड में आप देखेंगे कि जो जो हमारे वेपर्स होती हैं ठीक है वेपर जब ऊपर जाती हैं ठीक है थीके? बादलों के मतलब ऊपर की ओर जाती है तो टेम्परेचर उसको ठंडा मिलता है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड तो ये कोई प्रोसेस नहीं है तो सिर्फ आपको एक तरीका बताया कि पहले वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा और फिर लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन गलत हुआ इसमें डज नॉट इन्वॉल्व कौन इन्वॉल्व नहीं होता वाटर साइकिल में तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई काम वाटर साइकिल में नहीं है तो सेकंड ट्वेल्थ क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन पेच ऑफ दू ग्राउंड अब इनहिबिट्स का मतलब क्या होता है? का सीपेज मतलब तो अगर रेन uh, वाटर का सीपेज अगर ग्राउंड में नहीं हो रहा है इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन दिया है पक्का फ्लोर बी ऑप्शन दिया है प्ले ग्राउंड सी ऑप्शन दिया है ग्रास लॉन और डी ऑप्शन दिया है फॉरेस्ट लैंड तो इसमें जो पक्का फ्लोर है दैट इज आंसर पक्का फ्लोर अगर होगा ठीक है सीमेंटेड अगर पिच है सीमेंटेड अगर जगह है तो वो क्या करती है वाटर का सीपेज रोकती है वाटर रिस रिस के जमीन के अंदर नहीं जा पाता ठीक है तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखते हैं फोर्टीन क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही अच्छा है हाउ मच परसेंट ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर तो आपको बताना है कितना परसेंट अर्थ का सर्फेस वॉटर से कवर्ड है तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ट्वेंटी वन परसेंट सेकेंड इज फोर्टी वन परसेंट थर्ड इज सेवेंटी वन परसेंट एंड फोर्थ इज नाइनटी वन परसेंट ठीक है तो कितना परसेंट वाटर सरफेस जो कितना परसेंट जो अर्थ का सर्फेस है वाटर से कवर है तो ये है सेवेंटी वन परसेंट तो याद रखिएगा सेवेंटी वन परसेंट पूरे अर्थ में सिर्फ क्या है वाटर ही वाटर है ठीक है तो अगर पूछा जाए कितना परसेंट लैंड है तो आप कहेंगे ट्वेंटी नाइन परसेंट में आपका लैंड है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब यहां पे देखिए कुछ बात करी गई वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट है अर्थ पे तो सीज के फॉर्म में प्रेजेंट है ओशन के फॉर्म में प्रेजेंट है रिवर हो गया लेक हो गया आइस कैप्स हो गया ग्राउंड वाटर हो गया तो इस तरीके से प्रेजेंट है और साथ ही साथ एटमोस्फेयर में भी वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर ठीक है ये भी आप लोग याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे, देते हैं सब बच्चे फिफ्टी क्वेश्चन को देखिए ठीक है रजनी अवस्थी का आंसर आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे इसमें देखिए क्या कहा गया वाटर ऑन अर्थ हैज बीन फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स बाय वेरियस प्रोसेसेस मेक द डैश अब देखिए जो अर्थ पे वाटर है वो लगातार क्या रहता है मेंटेन रहता है मतलब उसका लेवल जो होता है वो हमेशा मेंटेन रहता है वो कभी खत्म नहीं हो रहा है ठीक है ना कभी वो खत्म होगा वो धीरे धीरे करके क्या रहता है वो अपने आप को रिन्यू कर लेता है अब आपसे पूछा गया है ये जो प्रोसेस है जिससे ये अपने आप को रिन्यू करता है ये प्रोसेस कौन सा होता है फर्स्ट ऑप्शन दिया ऑक्सीजन साइकिल सेकंड दिया है कार्बन साइकिल थर्ड दिया है वाटर साइकिल एंड फोर्थ दिया है नाइट्रोजन साइकिल तो बेटा ऑक्सीजन साइकिल इसका आंसर गलत है कार्बन साइकिल भी गलत है नाइट्रोजन साइकिल भी गलत है इसका सही आंसर क्या है वाटर साइकिल है तो वाटर साइकिल इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वाटर साइकिल में होता क्या है जैसे मान लीजिए पहले वाटर था ठीक है हीट आई सनलाइट sun, आई सनलाइट से क्या होता है ये जो वाटर है ये इवापोरेट हो जाएगा इवापोरेट होके ये वेपर के फॉर्म में बन जाता है अब ये वेपर किधर जाते हैं ऊपर जाते हैं और ऊपर का टेम्परेचर ठंडा है तो क्या होता है क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाता है और क्लाउड जब बनता है तो फिर प्रेसिपिटेशन होता है फिर पानी वापस नीचे आ जाता है तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल ठीक है तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर अब देखिए यहाँ पे आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन भी दे दिया डायग्राम भी दे दिया मोटरसाइकिल का कि किस तरीके से डायग्राम होता है जो भी हम आपको बता रहे थे वही है ठीक है कि यहां से पानी वापरेट हुआ बादल बने ठीक है क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ फिर क्लाउड आगे पहुंचे ठीक है फिर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ प्रेसिपिटेशन से रेनफॉल स्टार्ट हो गई और फिर से देखिए पानी कहाँ पहुंच गया फिर से पानी अल्टीमेटली आपका ओशन रिवर सीज जहां पे भी है पहुंच जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया था मॉइस्चर इन दी सॉइल इंडिकेट्स दी प्रेजेंस ऑफ वाटर इन डैश देखिए अगर सॉल में मॉइस्चर है ठीक है सॉइल में अगर मॉइस्चर है मॉइस्चर का मतलब क्या होता है मॉइस्चर का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर ठीक है तो वाटर का कंटेंट जो होता है उसी को एक तरीके से मॉइस्चर कहते हैं अब यहां पे बोला गया सॉयल में मॉइस्चर है इसका मतलब क्या है ये क्या इंडिकेट कर रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वाटर प्रेजेंट है किसमें क्या वाटर एयर में प्रेजेंट है गलत है बिल्कुल रजनी का आंसर सही आ गया है एयर में नहीं प्रेजेंट है एटमोस्फेयर में भी नहीं प्रेजेंट है रॉक्स में भी नहीं प्रेजेंट है कहा प्रेजेंट है अंडरग्राउंड प्रेजेंट है तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा वेरी गुड बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन को देखते हैं द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इन टू दी ग्राउंड इज कॉल्ड डैश विच हेल्प इन रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर अब देखिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होता है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है जब पानी धीरे 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 रिस रिस के नीचे सर्फेस में मतलब अर्थ के सर्फेस में चला जाता है ग्राउंड में चला जाता है लेकिन इस प्रोसेस को कहते क्या है तो इस प्रोसेस को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन ठीक है तो दिस इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट तो दिस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन याद रखेगा इसको नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर वाटर इज इज स्टोर्ड बिटवीन बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक टेबल नोन एज डैश देखिए कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर जो ग्राउंड वाटर होता है वो स्टोर होता है लेकिन किसमें स्टोर होता है हार्ड रॉक के बीच में ठीक है जो लेयर्स होती हैं हार्ड रॉक में उनके बीच में स्टोर होता है ठीक है बिलो वाटर टेबल अब बताना है कि ये जो ये मतलब ये जो ये है ये जो फिनमना है इसको क्या कहते हैं मतलब कहां पे स्टोर होता है तो दिस इज कॉल्ड एक्र ठीक है तो इन जगहों को क्या कह सकते हैं इनको कहा जाता है एक्यूफायर ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एक्सेसिव रेन अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है तो क्या होगा बहुत कम रेनफॉल हो रही है तो क्या होगा अब आपको पता होगा बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही होगी तो बाढ़ आ जाएगी और बहुत कम रेनफॉल हो रही होगी तो सूखा पड़ जाएगा बाढ़ आ जाएगी मतलब फ्लड आ जाएगा और सूखा पड़ जाएगा मतलब ड्रॉट हो जाएगा तो एक्सेसिव रेनफॉल क्या कॉज करता है फ्लड कॉज करता है एबसेंस ऑफ रेन क्या कॉज करता है ड्रॉट कॉज करता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द डैश इज टू एज वाटर वाटर हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग और रेन अब देखिए रेन वाटर जो है वो क्या रिचार्ज करता है जिसको वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कह सकते हैं मतलब एक प्रोसेस है जिससे किस चीज का रिचार्ज होता है क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन रिचार्ज करता है रेन वाटर और उस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग भी कह सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कह सकते हैं तो इसमें होता क्या है तो इसमें जो ग्राउंड वाटर है ये रिचार्ज होता है तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज नंबर 21 21 में कहा गया बाउडी बाउडी वाज ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग डैश अब आपको पता ना जो बाउड़ी है ठीक है बाउडी आपने सुना होगा अगर चैप्टर पढ़ा है तो बाउरी के बारे में सुना होगा ये एक बहुत पुराना मेथड होता था और किस चीज को कलेक्ट करने का तो वाटर कलेक्ट करने का ये मेथड होता था तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इसक देखिए नेम द टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत पतले पतले से ट्यूब यूज किए गए हैं ठीक है ठीके? और इन ट्यूब्स में क्या किया जाता है छोटे छोटे से पोर्स बना दिए जाते हैं और वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप इनके जड़ों तक पहुंचाया जाता है मतलब प्लांट्स के रूट्स तक पहुंचाया जाता है ठीक है कि पानी का जरस भी वेस्टेज ना और मेनली ये उन एरियाज में किया जाता है जहां पर वाटर की बहुत ज्यादा कमी है ठीक है और इस सिस्टम को कहते क्या है इस टेक्निक को कहते क्या है तो दिस इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तो डायग्राम भी देखिए बना हुआ है और यहां पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है ड्रिप इरिगेशन इन अ फील्ड क्वेश्चन में कहा गया है सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सॉइल कैसा रिसोर्स है क्या ये नेचुरल रिसोर्स है क्या ये आर्टिफिशियल रिसोर्स है कि ये मैनमेड रिसोर्स है तो आपको पता होगा कि सॉइल कैसा रिसोर्स है सॉयल इज अ टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू है एग्रीकल्चर अस तो एग्रीकल्चर हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है तो एक बिल्कुल सही है फूड प्रोवाइड करता है बिल्कुल ठीक है क्लॉथिंग प्रोवाइड करता है ये भी सही है शेल्टर प्रोवाइड करता है ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है तो इसमें ऑल ऑफ दिल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं द रॉट एंड डेड मैटर इन दॉयल तो आपको पता होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको ह्यूमस कहते हैं और ह्यूमस होता क्या है जो 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 भी सड़ी हुई चीजें होती हैं 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 डेड ऑर्गेनिजम्स होते जो सड़ जाते जब जाते जब वो में तो वो क्या बना देते हैं ह्यूमस बनाते हैं ठीक है सॉइल में जब वो चीज रहती है रॉट एंड डेड मैटर जो भी सॉइल में रहता है उसको क्या कहा जाता है ह्यूमस कहा जाता है और ये ह्यूमस क्या करता है फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है तो सॉइल की जो फर्टिलिटी आती है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है पॉलिथिन बैग एंड प्लास्टिक पॉल्यूट दी सॉइल तो बिल्कुल सही है दे ऑल्सो किल दर्गेनिज्म लिविंग इन दॉयल तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जो इंपॉर्टेंट एडवांटेजियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल में रह रहे होते हैं उनको भी क्या कर देती है पॉलिथिन खत्म कर देती है इसके बाद अगला पार्ट दिया गया है मोनोमर ऑफ पॉलिथिन इज इथेन तो मोनोमर जो है पॉलिथिन का वो इथेन नहीं होता है वो क्या होता है ethene होता है है ठीक इज द पॉलीमर इथिन इज द मोनोमर ऑफ पॉलिथीन तो यही ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा सी ऑप्शन एक बार फिर भी देख लेते हैं सी ऑप्शन में बोला गया है अदर सब्सटेंसेज विच पोल्यूट दि सॉइल आर अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स बिल्कुल सही है तो चाहे वेस्ट प्रोडक्ट्स हो चाहे केमिकल्स हो चाहे पेस्टिसाइड्स हो ये भी क्या करते हैं सॉइल को पल्यूट करते हैं और इसका डी ऑप्शन में दिया गया है वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल यूज शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इन टू दिस ऑयल तो बिल्कुल सही है ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि उनका रिमूवल तो अगर कोई भी चीज का डंपिंग हो रही है रिवर में या वाटर में तो उसी उससे पहले जो भी वेस्ट है उसका एक क्लीनिंग जरूर होनी चाहिए वेस्ट को पहले साफ जरूर करना चाहिए जो भी चीजें उनको पहले ट्रीट करना चाहिए जिससे उसके अंदर के जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म किए जा सके द यूज ऑफ पेस्टिसाइड टू ऑल्सो बी मिनिमाइज बिल्कुल सही है तो इसका जो ऑप्शन हो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी विच इज इनकरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ डैश प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग तो वेदरिंग क्या होती है तो so, रॉक की ब्रेकडाउन होती है लेकिन किसके द्वारा विंड uh, के द्वारा भी होता है वाटर से भी होता है और क्लाइमेट से भी होता है तो so, तीनों ही कंडीशन इसमें सही हो जाएगी तो so, विंड से भी वेदरिंग होती है वाटर से भी वेदरिंग होती है और क्लाइमेटिक फैक्टर से भी वेदरिंग होती है मतलब क्लाइमेट चेंज होने पर भी वेदरिंग होती है और वेदरिंग होती क्या है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स तो जब रॉक ब्रेक डाउन होगा तो वो धीरे धीरे करके कई प्रोसेस कई टाइम के बाद क्या फॉर्म होता है सॉयल के फॉर्मेशन करता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम इट हैज बीन एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट ये बिल्कुल सही है देखिए जो रॉक जो सॉइल का नेचर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा कि ये किस रॉक से बना है ठीक है किस रॉक से बना है और साथ ही साथ किस कौन सी वेजिटेशन उस पर ग्रो करती है ठीक है तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा गया है अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ इज कॉल्ड तो वर्टिकल सेक्शन जो होता है अलग अलग आप तीन अगर लेयर्स देखेंगे ठीक है तो तीन लेयर्स में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ वर्टिकल सेक्शन दिखाई पड़ रहे हैं और इस वर्टिकल सेक्शन को क्या बोला जाएगा सॉयल प्रोफाइल बोली जाएगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट है ईच लेयर ऑफ सॉयल रिफर टू एज होराइजन डिफर्स बाय तो किस चीज से डिफरेंस होता है अगर आप तीन लेयर्स देखेंगे सॉइल की तो टॉप सॉयल होता है सब सॉइल होता है बेड रॉक होता है ठीक है ना तो इसमें जब आप देखते हैं तो इनमें डिफरेंस किस चीज का होता है तो टेक्स्चर का बिल्कुल डिफरेंस है ठीक है कलर का भी डिफरेंस होता है डेप्थ का भी डिफरेंस होता है केमिकल कॉम्पोजिशन का भी डिफरेंस होता है मतलब तीनों में कहीं ना कहीं ये सब प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में कहा गया है वेल और लेंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग देखिए जब भी कोई भी कुआं खोदा जाता है या कोई भी घर का अगर फाउंडेशन बनाया जा रहा है बेस बनाया जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि सॉयल खोदते हैं पहले गड्ढा बनाते हैं बहुत बड़ा सा और जब गड्ढा बनाते हैं बहुत बड़ा सा गड्ढा हम लोग डिग करेंगे तो क्या होगा सॉयल प्रोफाइल हम लोग को दिखाई पड़ सकती है तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो इट इज ऑल्सो ट्रू क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं इसमें कहा गया विच होराइजन इज जनरली डार्क इन कलर एंड इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स तो डार्क है पहली बात तो देखिए पूछा गया है कौन सा ऐसा होराइजन है जो डार्क है और डार्क के साथ साथ वो ह्यूमस में और मिनरल्स में क्या है रिच है तो इसका आंसर क्या है तो अपर मोस्ट जो पोर्शन होता है सॉयल का अपर मोस्ट पॉल्ड जो होता है सोयल का जिसको टॉप सॉयल भी कहते हैं ठीक है थेके? तो टॉप सॉयल कैसा होता है टॉप सॉयल रिच इन ह्यूमस होता है और साथ ही साथ मिनरल्स में भी उसमें उसमें ज्यादा मिनरल्स होते हैं और साथ ही साथ उसका कलर कैसा होता है डार्क होता है क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन में कहा गया है विच लेयर ऑफ सॉइल इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर तो देखिए सॉफ्ट है पोरस पोरस का मतलब होता है उसके अंदर छोटे छोटे से छेद हैं ठीक है छिद्र हैं छोटे छोटे से और वो ज्यादा वाटर को रिटेन कर सकती है तो वो कौन सी सॉयल है तो ये प्रॉपर्टीज है टॉप सॉयल की ठीक है टॉप सॉइल मतलब ये कह सकते हैं आप लोग सबसे ऊपर जो सॉइल पाई जाती है जिसमें ह्यूमस पाया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज होती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है बी और द मिडिल लेयर अब बी हॉराइजन की प्रॉपर्टीज पूछी गई है जो मिडिल लेयर है उसकी प्रॉपर्टीज पूछी गई क्या होती है फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बिल्कुल सही है टॉप सॉयल में सबसे ज्यादा ह्यूमस होती है बी हॉराइजन या जो सब सॉइल होती है उसमें कम ह्यूमस होती है और जो बेड रॉक होती है उसमें बिल्कुल भी ह्यूमस नहीं प्रेजेंट होती है बहुत ही कम ह्यूमस प्रेजेंट होती है इस जनरली हार्डर बिल्कुल सही है हार्डर होगा मतलब किससे हार्डर होगा तो टॉप सॉइल से हार्डर होगा बिल्कुल सही है भी और थर्ड में बोला गया है इज मोर कॉम्पैक्ट तो ये भी क्या है सही है ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है मतलब ज्यादा टाइटली पैक्ड होती है ये सॉइल तो तीनों ही ऑप्शन सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ अब विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं इसमें कहा गया द थर्ड लेयर इज द सी होराइजन तो ए बी सी होराइजन होते हैं ए को टॉप सॉइल में रख सकते हैं बी को मिडिल वाला कह सकते हैं बी होराइजन को मिड सॉयल में या मिडिल लेयर में रख सकते हैं और जो सी होराइजन होता है वो बेड रॉक होता है इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्स ऑफ रॉक तो बिल्कुल सही है सी होराइजन में छोटे छोटे से लम्स होते हैं रॉक के ठीक है विद क्रैक्स एंड क्रेवाइस और क्रैक्स भी होते हैं क्रेवाइसिस भी होते हैं तो ये भी ऑप्शन क्या है सही है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन आपको बताना है ए बी सी में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है बेड रॉक इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद अ स्पेड तो बिल्कुल सही है आसानी से इसको हम लोग नहीं खोद सकते हैं तो आसानी से डिग नहीं कर सकते हैं किसको बेड रॉक को क्योंकि ये हार्ड होती है तो ए ऑप्शन इज करेक्ट सेकेंड बोला गया है द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सोयल देखिए मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर अगर ह्यूमस के साथ किया जाता है तो वही क्या बनाता है सॉयल बनाता है इसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन में दिया गया है बेड रॉक इज सॉफ्ट एंड ईजी टू डिग डी विदीड तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है बेड रॉक कैसी होती है बेड रॉक है इसका मतलब वो हार्ड है <laughs> क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं फ सॉयल कंटेन्स ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड डैश सॉयल तो देखिए अगर सॉयल में जो पार्टिकल्स हैं बड़े पार्टिकल ज्यादा हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स कम है तो ऐसे सॉइल को क्या कहा जाता है दीस टाइप ऑफ सॉइल आर कॉल्ड सैंडी सॉइल्स ठीक है तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे सैंडी सॉयल्स ठीक है तो सैंडी सॉइल्स में मतलब क्या हुआ कि जो बिगर पार्टिकल्स थे उनकी मात्रा ज्यादा थी और छोटे पार्टिकल्स की मात्रा कम है ठीक है इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन बदल दिया गया क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसमें कहा गया है फाइन पार्टिकल्स की जो प्रपोर्शन है वो ज्यादा है और एज कंपेयर टू द बिगर पार्टिकल्स तो ऐसे सॉयल को क्या बोला जाएगा तो ऐसे सॉयल को बुलाया जाता है क्लेई सॉल ठीक है तो क्ले सॉयल बुलायाता है जिसमें फाइन पार्टिकल्स मतलब जिनमें छोटे पार्टिकल्स की कंसेंट्रेशन बोल सकते हैं या प्रपोर्शन बोल सकते हैं ज्यादा होगा क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं इसमें कहा गया है इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम तो अगर कोई ऐसा सॉयल है जिसमें लार्ज पार्टिकल्स और फाइन पार्टिकल मतलब छोटे पार्टिकल्स दोनों का जो प्रपोर्शन है वो क्या है सेम है तो ऐसे सॉइल को क्या कहा जाएगा तो ऐसे सॉयल को एक ही सॉइल बचा कौन सा लोमी सॉयल तो ऐसे सॉयल को कहते हैं लोमी सॉयल मतलब इसमें क्या होगा इसमें जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं दोनों के दोनों बराबर कॉन्सेंट्रेशन में होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं इसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इसमें भी देखिए इनकरेक्ट बताना है पार्टिकल्स इन सैंडी सॉइल आर क्वाइट लार्ज तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है पार्टिकल्स ऑफ सैंडी सॉइल आर क्वाइट लार्ज ये सही है सेकेंड बोला गया है पार्टिकल्स कांट फिट क्लोजली टुगेदर सो देयर इज लार्ज स्पेसेस देखिए सैंडी सॉइल के बारे में यहां बात करी गई है कि सैंडी सॉइल के क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं और जब बड़े बड़े होंगे तो आसानी से फिट नहीं हो पाएंगे और देख सकते हैं आप लोग बीच में स्पेसेस ये देखिए बीच में स्पेसेस खाली रह जाएंगी ठीक है जिसमें हवा भर जाती है जिसमें एयर भर जाती है तो ये भी ऑप्शन क्या है सही है ठीक है सी ऑप्शन में देखिए क्या बोला गया है सी ऑप्शन में बोला गया है सैंडी सॉइल इज नॉट वेल एरिएटेड अब देखिए जब हवा उसमें भर गई जब उसमें हवा भर गई तो इसका मतलब वो वेल well एरिएटेड है तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा ठीक है इट इज नॉट वेल एरिएटेड ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था तो इनकरेक्ट कौन सा है ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट और डी में देखिए क्या बोला गया है डी में कहा गया है वॉटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू दी स्पेसेस बिटवीन दी सैंड पार्टिकल्स ठीक है सो सैंडी सॉइल टेंट टू बी लाइट वेल एरिएटेड एंड रादर ड्राई ये बिल्कुल सही है ठीक है तो वाटर आसानी से निकल जाएगा उससे क्योंकि स्पेसेस ज्यादा थी जिसकी वजह से जो सैंडी सॉइल रहता है वो कैसा रहता है लाइट रहता है एरिएटेड मतलब उसमें हवादार होगा और साथ ही साथ वो सूखा भी होगा ड्राई होगा ठीक है तो ये चारों ही ऑप्शन मतलब चारों में से तीन ऑप्शन सही है सिर्फ सी ऑप्शन जो है वो गलत है तो इसमें जो ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द इनकरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट इसमें कौन सा आपको बताना है तो ए ऑप्शन में दिया गया है क्ले पार्टिकल्स बींग मच स्मॉलर पैक टाइटली टूगेदर लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर तो अभी हम लोग ने देखा था कि क्ले पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स जो जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं बिल्कुल सही है और छोटे होते हैं जिसकी वजह से वो टाइटली पैक हो जाएंगे और एयर के लिए जगह भी यहां पर नहीं बचेगी तो नाइनटीन का ए ऑप्शन तो सही है बी ऑप्शन देखते हैं बी ऑप्शन में कहा गया है वॉटर कैन बी हेल्ड इन टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले ठीक है अब देखिए जगह बहुत कम है त, जो क्ले के बीच क्ले के पार्टिकल्स हैं क्योंकि बहुत छोटे हैं और बहुत छोटे हैं इसका मतलब सबके बीच में जो स्पेस है बहुत ही कम है तो उन छोटी छोटी से स्पेसेस में क्या होता है कि वाटर फिल हो जाता है और वाटर निकल नहीं पाता ठीक है और साथ ही साथ क्योंकि वाटर उसके अंदर फिल हो गया तो उसके अंदर एयर नहीं आ पाएगी ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है इसका मतलब ये वेल एरिएटेड नहीं होते हैं लेकिन क्ले सॉयल हैवी सॉइल जो होते हैं वो कैसे होते हैं हैवी होते हैं क्यों क्योंकि इनमें ज्यादा वाटर स्टोर हो सकता है ठीक है तो ये भी बिल्कुल सही है तो तीनों ही ऑप्शन सही है इसका मतलब कोई भी इनकरेक्ट नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा नॉन ऑफ दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोमी सॉइल अब देखिए जो सबसे अच्छा टॉप सॉयल होता है प्लांट को ग्रो करने के लिए वो कौन सा सॉइल होता है लोमी सॉइल होता है अब लोमी सॉयल के बारे में पूछा गया है कि लोमी सॉयल किस चीज का मिक्सर है क्या ये सैंड और सिल्ट का मिक्सचर है क्या ये क्ले और सिल्ट का मिक्सचर है और क्या ये सैंड क्ले एंड सिल्ट तीनों का ही मिक्सचर है तो आंसर यही सही है दैट लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड क्ले एंड सिल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है इसमें कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सिल्ट अब सिल्ट को लेके कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है तो ए पार्ट में देखिए कहा गया है सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स तो ये ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है ठीक है तो सिल्ट जो होती है रिवर बेड से आती है रिवर रिवरबेट्स में पाई जाती है और डिपॉजिट्स जो होते हैं रिवर बेड्स में उसमें सिल्ट पाई जाती है है ठीक बी ऑप्शन में कहा गया है द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन सैंड एंड क्ले तो सैंड और क्ले दोनों के बराबर मतलब दोनों के बीच में होगा अब आपको पता है एक का साइज बहुत बड़ा होता है एक का साइज क्या होता है बहुत छोटा होता है तो जो सिल्ट होगा उसका साइज दोनों के बीच में लाई करेगा और सी ऑप्शन में दिया गया है पार्टिकल्स ऑफ सिल्ट आर बिगर देन द सैंड पार्टिकल्स ये ऑप्शन गलत है ठीक है तो यही पूछा गया था इनकरेक्ट कौन सा है तो ऑप्शन नंबर सी विल बी इनकरेक्ट क्योंकि सिल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सैंड और क्ले के बीच में होते हैं मतलब उनका साइज दोनों के बीच में होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देख लेते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी टू में कहा गया है इट टुक ट्वेंटी मिनट फॉर टू हंड्रेड एम एल

फॉर्मूला ऑफ परकुलेशन रेट ठीक है अब वॉल्यूम कितना था देखिए 200 था अपॉन अगर टाइम देखेंगे 20 है इसको अगर आप कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा अब देखिए वॉल्यूम की यूनिट क्या है वॉल्यूम की यूनिट है एम और टाइम की यूनिट क्या है मिनट है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी एम पर मिनट हो जाएगी एम पर मिनट विल बी द यूनिट ऑफ परकुलशन रेट तो टेन एम पर मिनट दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है आइडेंटिफाई द इन करेक्ट वन आपको बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल बिल्कुल सही है ठीक है तो अलग अलग सॉयल में अलग अलग परकोलेशन रेट होता है किसी में परकोलेशन रेट कम होता है किसी में परकोलेशन रेट ज्यादा होता है तो अगर हाइएस्ट की बात करी जाएगी तो हाइएस्ट परकोलेशन रेट किस में है तो सैंडी सॉइल में है बिल्कुल सही है परकोलेशन रेट हाइएस्ट कहां होता है सैंडी सॉइल में होता है ठीक है? है, तो है और लीस्ट दिया गया उसमें देखिए उल्टा कह दिया गया है इसमें कहा गया है, रेट इस इन सैंडी तो ये ऑप्शन क्या है गलत है हाइएस्ट होता है सैंडी सॉइल में और लीस्ट होता है क्ले सॉइल में तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि पर्कुलेशन हाइएस्ट किसमें होता है सैंडी सॉइल्स में होता है और लीस्ट किसमें होता है लीस्ट होता है क्ले सॉइल में और हाइएस्ट क्यों होता है क्योंकि इसमें स्पेसेस ज्यादा होती है तो आसानी से वाटर है इसके अंदर जा सकता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है ट्वेंटी फोर में क्या कहा गया है इसमें कहा गया है डैश सॉयल इज यूज टू मेक पॉट्स टॉयज एंड स्टैचूज तो पॉट्स हो गए टॉयज हो गए स्टैचूज हो गए इनको बनाने के लिए कौन सा सॉयल यूज होता है ये आपको बताना है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है क्लेई सॉइल बी ऑप्शन दे दिया गया है सैंडी सॉइल और सी ऑप्शन दिया गया है क्या सॉइल का इफेक्ट इन तीनों पे होता है क्या सॉइल तीनों से इफेक्टेड होता है बिल्कुल सही है सॉइल विंड से भी चेंज विंड से भी सॉइल में कहीं ना कहीं कोई चेंजेस आते हैं रेनफॉल से भी आते हैं टेम्परेचर से भी आते हैं लाइट से भी आते हैं और

ठीक है और क्यों ऐसा होता है क्योंकि ये वॉटर को रिटेन करने की प्रॉपर्टी इन सॉयल के पास ज्यादा होती है तो क्वेश्चन नंबर 26 में जो सॉयल की बात करी गई है वो कैसे सॉयल की बात करी गई है यहां पे तो दैट सॉयल इज क्ले सॉयल और लोमी सॉयल दोनों में ही ये प्रॉपर्टी पाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा क्ले एंड लोमी सैंडी सॉयल में प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है क्योंकि सैंडी सॉयल जो है उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो पानी जितना भी उसके अंदर जाता है वो निकल जाता है वेल well एरिएटेड होता है क्योंकि वो ठीक है तो 26 का जो ऑप्शन होएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट वन आपको बताना है कौन सा करेक्ट है फॉर पैडी पैडी के लिए अगर देखी जाए पैडी के लिए अगर बात करी जाए सोइल सिल्टन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल तो बिल्कुल सही है पैडी मतलब धान होता है तो धान की खेती के लिए जो भी सॉयल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए वो क्ले मतलब क्ले मेरे होना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर उसमें ज्यादा होना चाहिए मतलब ह्यूमस ज्यादा होना चाहिए और साथ ही साथ वाटर को रिटेन करने की प्रॉपर्टी उसके पास अच्छी होनी चाहिए क्योंकि पैडी के लिए वाटर बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है वाटर वाटर का होना बहुत ज्यादा एसेंशियल है पैडी की ग्रोथ के लिए ठीक है नेक्स्ट पार्ट देखिए बोला गया है पार्ट बी है पॉइंट बी में क्या कहा गया है फॉर लेंटल्स अब जब दाल वाल की बात करते हैं मंसूर की दाल हो गई या कोई और पल्सेस है उनकी अगर बात करी जाए तो उनके लिए लोमी सॉयल बहुत इंपॉर्टेंट है और लोमी सॉयल की प्रॉपर्टी क्या है कि वो वॉटर को इजिली ड्रेन कर देता है ठीक है तो वॉटर को इजिली ड्रेन कर देगा इसलिए लोमी सॉयल बहुत ज्यादा यूजफुल होता है और वही सुटेबल होता है किसके लिए पलसेस को ग्रो करने के लिए सी पार्ट में क्या कहा गया है सी पार्ट में कहा गया है फॉर कॉटन सैंडी लोम और लोम तो कॉटन के लिए सैंडी लोम लोम जो है वो क्या करती हैं वाटर को इजिली ड्रेन कर देती हैं तो हम लोग कॉटन के लिए भी सैंडी लोम और लोम को यूज कर सकते हैं ठीक है कॉटन ग्रो करने के लिए और आपको पता होगा कॉटन मेनली डेक्यू में हो गया या डेकन ट्रैप में हो गया वहां ज्यादा ग्रो करी जाती है महाराष्ट्र का रीजन है वहां पर ब्लैक सॉयल बो पाई जाती है और वही ब्लैक सॉयल में कॉटन ग्रो करती है पार्ट डी देख लेते हैं पार्ट डी में कहा गया है क्रॉप सच एज वीट आर ग्रोन इन फाइन क्ले सॉइल्स बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल तो बिल्कुल सही है ऑप्शन भी सही है इसका मतलब जो क्रॉप्स होते हैं जैसे वीट हो गया ठीक है वो फाइन क्ले सॉयल में बोए जाते हैं ठीक है बिकॉज क्यों ऐसा होता है क्योंकि ये ह्यूमस रिच होते हैं और बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं अब देखिये जो भी ह्यूमस रिच होगा उसको फर्टाइल होना तो ऑब्वियस सी बात है तो वीट के लिए हम लोग ने देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें देखी क्या क्या देखा कि पैडी के लिए क्या क्या एसेंशियल सॉइल्स होते हैं ठीक है पल्सेस के लिए क्या क्या एसेंशियल सॉइल्स होते हैं कॉटन की बात करी और वीट की बात करी तो चारों ही ऑप्शन उसमें सही है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन ट्वेंटी एट में क्या कहा गया है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है द रिमूवल ऑफ लैंड सर्फेस बाय वॉटर विंड और आइस इज नोन एज इरोजन तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट बोला गया प्लांट रूट्स फर्मली बॉइंड दी सॉइल अब देखिए प्लांट रूट्स क्या करती है सॉयल को बांधे रखती है जिससे इरोजन कम हो जाता है ठीक है और लेकिन अगर एबसेंट होगा प्लांट अगर नहीं होंगे तो सॉइल कैसी होगी लूज हो जाएगी क्योंकि उनको बाउंड करने के लिए रूट्स ही नहीं है तो बी ऑप्शन भी सही है सी ऑप्शन में क्या कहा गया है विंड एंड फ्लोइंग वाटर डज नॉट कॉज सॉयल पोल्यूशन सॉयल इरोजन तो ये गलत है क्योंकि विंड जो है वो भी सॉयल इरोजन कॉज करती है और वाटर अगर फ्लो कर रहा है तो वो भी कही कहीं ना कहीं सॉयल इरोजन कॉज करता है तो कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डी ऑप्शन देख लेते हैं इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सीवियर इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन देखिए जहां पर सरफेस वेजिटेशन नहीं होगी वहां पर क्या होगा वहां पर रूट्स नहीं है रूट्स नहीं है तो सॉयल को बाइंड कौन करेगा कोई नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से सॉयल इरोजन होने के खतरे वहां पर बढ़ जाते हैं और मेनली वो कहा होता है जैसे डेजर्ट्स हो गए बैरन लैंड हो गए बेयरलैंड्स हो गए खाली मतलब जगह अगर पड़ी हुई है तो वो ज्यादा प्रोन होती है सॉयल इरोजन के लिए तो ये भी ऑप्शन क्या है सही है तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन नंबर नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कहा गया है इन एडिशन टू रॉक पार्टिकल्स तो रॉक पार्टिकल्स के साथ साथ में और क्या होना चाहिए तो में होना चाहिए मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर एयर एंड वाटर तो ये ऑप्शन इसमें थ्री सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाइएस्ट इन तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा किस में होती है तो वो सबसे ज्यादा होती है में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अच्छा 32 है शायदे, 31 है, ठीक को देख लेते हैं में कहा गया? क्या है? तो ऑल काइंड ऑफ सॉइल आ जाएगा सभी सॉइल में लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सेकेंड में बोला गया है अपर लेयर ऑफ सॉइल तो अपर होती है अपर ऑफ सॉयल को अगर आप देखेंगे तो डार्क इन कलर होती है ठीक है ह्यूमस ज्यादा होगा तो डार्क इन कलर हो जाएगा थर्ड में बोला गया है सैंडी सॉयल तो सैंडी सॉइल की अगर बात करी जाए तो सैंडी सॉयल के पार्टिकल्स कैसे होते हैं बड़े होते हैं तो इसके पार्टिकल्स बड़े, पार्टिकल बड़े हो जाएंगे मिडिल लेयर ऑफ सॉयल की बात की जाए ठीक है तो लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस आ जाएगा इसमें अभी हम लोग ने देखा भी था और क्ले सॉयल की बात की जाएगी तो इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं छोटे होते हैं तो स्मॉल पार्टिकल्स एंड आर पैक्ड टाइटली क्वेश्चन नंबर थर्टी टू देख लेते हैं थर्टी टू में कहा गया है द माइक्रो ऑर्गेजम प्रेजेंट इन सॉइल रिक्वायर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए किस चीज की जरूरत है तो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वाटर की जरूरत है मॉइस्चर की जरूरत है इन सब चीजों की जरूरत है चूज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो द हैबिटेट प्लेस वेयर द सॉयल हैज प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स तो आपको बताना है कहां पर ऐसा होता है इन जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि किस जगह पर ऐसा होगा जहां पर सॉयल में वाटर और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो डेजर्ट में नहीं होते फॉरेस्ट में होते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉयल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्ब बाय रूट इज इन दी देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सबसे ज्यादा कहां पे होती है ठीक है मिनरल्स की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां पर होती है पूछा गया है तो आपको पता है सबसे ज्यादा कहां पर होगी ए हॉराइजन में होगी मतलब टॉप सॉयल में होगी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्टी फोर है सॉयल कंजर्वेशन मेजर्स आर मेनली एम्ड एट प्रोटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है तो सॉयल कंजर्वेशन की जब भी बात करी जाएगी इसका मतलब कौन से सॉइल के प्रोटेक्शन की बात करी जा रही है तो आपको याद रखना है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ टॉप सॉयल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर में रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू सॉइल तो देखिए हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और कहा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है कौन सा है तो वेदरिंग इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस बिल्कुल गलत है वेदरिंग स्लो प्रोसेस होता है ठीक है सॉइल फॉर्मेशन के लिए वेदरिंग यूज होती है वेदरिंग प्रोसेस यूज होता है वेदरिंग प्रोसेस होती है ठीक है नेचुरल प्रोसेस है और बे कैसा प्रोसेस है स्लो प्रोसेस है पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज फास्टेस्ट फास्टर इन सैंडी सॉइल्स तो पूछा गया है क्या पर्कुलेशन फास्टेस्ट होता है सैंडी सॉयल में तो ये ऑप्शन भी देखते हैं इसके बाद थर्ड ऑप्शन में देखिए क्या बोला गया है लोमी सॉयल कंटेन्स ओनली सैंड एंड क्ले क्या लोमी सॉयल में सिर्फ सैंड और क्ले होती है और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है टॉप सॉयल कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है वो बिल्कुल ही सही है और थर्टी फिफ्थ अगर आप देखेंगे तो इसमें सेकेंड ऑप्शन भी जो था जिसमें पर्कुलेशन वाटर के दिए हुए था सबसे ज्यादा किसमें होता है सैंडी सोयल में होता है तो सेकेंड ऑप्शन हो गया और फोर्थ ऑप्शन हो गया ये दोनों ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है तो इसका ऑप्शन नंबर ए नेम फॉर रिगर सॉइल इज तो रिगर सॉइल को और क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है ब्लैक सॉयल नेक्स्ट पे आते हैं रिगर सॉइल इज मोस्टली वाइड स्प्रेड इन सबसे ज्यादा अगर रीगर सॉइल देखें तो कहाँ पाया जाता है पूछा गया है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा पाया जाता है गुजरात में और गुजरात अगर ऑप्शन ना हो तो आंसर क्या हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा तो यहाँ पर महाराष्ट्र इज दी करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इन इंडिया हैज़ बीन वेदरिंग ऑफ़ बेसाल्टिक लावा अब देखिए बेसाल्टिक लावा की वेदरिंग से जो सॉल्ट फॉर्म होता है सॉइल जो फॉर्म होता है कौन सा होता है वो ब्लैक सॉइल होता है जिसको रिगर सॉइल भी कहते हैं ठीक है और ये कैसे फॉर्म होता है तो इग्नियस रॉक की जब वेदरिंग होती है ठीक है बेसाल्टिक लावा बोला जाए या इसको रॉक भी बोल सकते हैं हम लोग रॉक की जो वेदरिंग होगी उससे क्या बनेगा उससे आपका रीगर सॉयल है ब्लैक सॉयल बनेगा नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ फोर्थ को देखेंगे रहा है रिगर इज द नेम ऑफ अब रिगर जो दीगर का नाम है तो ब्लैक का नाम है वही क्वेश्चन है नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑफ इंडिया इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन देखिए कॉटन जो है वो एक खारिफ क्रॉप है याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कॉटन कैसा क्रॉप है तो एक खारिफ क्रॉप है ठीक है अब यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो कॉटन के लिए है सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी सॉइल रहती है तो रीगर सॉइल जो है ब्लैक सॉइल जो है ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है ठीक है बेटा ये जनरल जनरल जोग्राफी है सभी के लिए ही है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोड एज सेल्फ प्लोड सॉइल ऑफ दंट्री तो भारत की अगर सेल्फ प्लोड सॉइयल अगर पूछी जाए ठीक है सेल्फ प्लो का मतलब होता है वो अपने आप से ही इरीगेशन कर लेती है तो ऐसा कौन करती है तो ऐसा ब्लैक सोयल करती है क्योंकि ब्लैक सॉइल के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर को रिटेन करके रखती है वाटर को क्या करके रखती है रिटेन करके रखती है मॉइस्चर को रिटेन करके रखती है इसलिए इसको क्या कहते हैं सेल्फ फ्लोड सॉयल कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में आते हैं विच सॉइल इज बेस्ट सुटेबल फॉर कॉटन तो कॉटन के लिए बताया था ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा सूटेबल है नेक्स्ट में कहा गया लावा सॉइल्स आर इन अब देखिए लावा सोयल जो है ये कहाँ पाई जाती है आपको बताना है तो ये मलवा प्लेट्यू में पाई जाती है तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइथ पे आते हैं इसमें कहा गया द प्री डोमेंट सॉयल ऑफ मलवा प्लेटू तो मलवा प्लेट्यू की जो सॉइल है वो कौन सी है ब्लैक सॉइयल है ठीक है अभी हमने बताया था मलवा प्लेट्यू में वही सेम क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से पूछा गया है विच सॉयल नीड्स लिटिल इरीगेशन एज इट रिटेन सॉयल वाटर तो ये कौन सॉयल है ब्लैक सॉयल है अगले में कहा गया लेटराइट सॉयल आर प्री डोमिनेंट इन डैश अब देखिए लेटराइट सॉयल जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है तो ये मालाबार कोस्टल रीजन में पाई जाती है लेट्राइड सॉइल कैसे बनती है तो लीचिंग प्रोसेस से बनती है किससे बनती है लीचिंग प्रोसेस से बनती है तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी सॉइल है जो लीचिंग प्रोसेस से बनती है तो आप कहेंगे लेट्राइड सॉइल है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में कहा गया विचन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सॉइल अब लेट्राइड सॉइल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है पूछा गया है तो पहला स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट देखिए कहा गया दे दे आर सॉइल ऑफ ह्यूमे ट्रॉपिकल रीजन बिल्कुल ठीक है हाईली लीज होती है बिल्कुल ठीक है फर्डिलिटी लो होती है बिल्कुल ठीक है रिच एंड लाइम ये चीज़ गलत है ठीक है ऐसा नहीं होता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन को देखते हैं थर्टीन क्वेश्चन में क्या कहा गया लिटराइट सॉइल इज फाउंड इन अब लिटराइट सॉइल जो है ये कहाँ पाई जाती है तो महाराष्ट्र में पाई जाती है ठीक है केरला महाराष्ट्र इन सब जगहों पर पाई जाएगी तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप ऑफ इंडिया इज रेंडर्ड इन फर्टाइल बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सस आयरन तो एक्स आयरन होने की वजह से इसको इनफर्टाइल कहा गया है ऐसी कौन सी सॉइल के बाद बारे में यहाँ पर बात हो रही है तो यह है लेट्राइड सॉइल ठीक है मतलब इसमें अगर देखा जाए आयरन तो होता है एक्सेस में लेकिन फिर भी एक ऐसी इनफर्टाइल है, है अगले में कहा गया ओल्ड कछारी सॉयल ठीक है ओल्ड ओल्ड कछारी क्ले ऑफ गैनजेटिक प्लेन जो सॉइल होती है इसको कहा जाता है बांगर ठीक है एक होती है ओल्ड एलुवियम और एक होती है न्यू अल्यूवियम ठीक है इसी में अगर न्यू एलुवियम दिया होता तो खादर आता क्वेश्चन नंबर पे आते हैं इसमें कहा गया ऑफ ऑफ द फॉलोइंग टाइप हैज मिनिमम वाटर रिटेंशन कैपेसिटी देखिए मैक्सिमम रिटेंशन अगर पूछा जाएगा तो ब्लैक सॉइल आएगा लेकिन मिनिमम पूछा गया है तो मिनिमम में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसी सॉइल है जिससे मिनिमम वाटर रिटेंटिविटी होती है वाटर स्टोर रिटेन करने की कैपेसिटी होती है ये पूछा गया है तो ये होती है एलुवियल सैंड सॉइल में याद रखिये अलुवियल सैंड सॉइल में ऐसा होता है फॉलोइंग इज मोस्ट प्रोडक्टिवसे कौन सी होती है, तो ये अलूवियल सॉइल है ठीक है नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर एटीन में कहा गया इंडिया द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप अब सबसे ज्यादा जो सॉइल पाई जाती है वो कौन सी है भारत में तो ये आपको अलूवियल सॉइल देखने को मिलेगी तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है नेक्स्ट पे आते हैं नाइनटीन क्वेश्चन को देखेंगे विध सॉयल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन लोमी सॉइल अब लोमी सॉयल जो है इसमें कौन से सॉइल के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं क्ले पार्टिकल्स भी होते हैं सिल्ड पार्टिकल्स भी होते हैं तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा नाइनटीन क्वेश्चन का नेक्स्ट पे आते हैं ट्वेंटी को देखेंगे इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन फॉर इंप्रूविंग दी सॉइल फर्टिलिटी अब देखिए सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इंप्रूव करने के लिए कौन सा क्रॉप बोया जाता है तो मेनली अगर आप देखेंगे तो लेग्यूमनस क्रॉप जो होते हैं उनको बोया जाता है ठीक है नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ा देता है वो तो यहां पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा ब्लैक ग्राम या उरद इसको कहते हैं नेक्स्ट पे आते हैं व्हेन यू ट्रैवल इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया जब आप सर्टेन पार्ट भारत के अलग-अलग पार्ट में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे रेड सॉइल देखेंगे आपसे पूछा गया है कि इसका कलर रेड क्यों होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड्स पाए जाते हैं ठीक है आयरन ऑक्साइड्स पाए जाते हैं Fe2O3 पाया जाता है इसलिए क्या होता है रेड होता है नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे ऑफ वेस्टर्न राजस्थान देखिए वेस्टर्न राजस्थान जो है उसके में किसका कंटेंट ज्यादा होता है तो कैल्शियम का कंटेंट याद रखिएगा वेस्टर्न राजस्थान के सॉयल में ज्यादा होता है ट्वेंटी थ्री में कहा गया विचन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इन रिचेज द नाइट्रोजन अब देखिए नाइट्रोजन कंटेंट को कौन बढ़ा रहा है तो जो मटर होते हैं मटर हो गई दाल हो गई ये सब की सब क्या करती है नाइट्रोजन के कंटेंट को इंक्रीज करती है ट्वेंटी फोर्थ में कहा गया दाइ द माइक्रो न्यूट्रियट मैक्सिमम डिफिशियंट इन इंडियन सॉइल देखिए माइक्रो न्यूट्रंट की बात करिए अगर माइक्रो न्यूट्रेंट पूछा जाता कि सबसे ज्यादा डिफिशियंट माइक्रो न्यूट्रिय कौन सा है तो भारत में नाइट्रोजन बहुत कम पाया जाता है सॉइल्स में ठीक है इसीलिए ज्यादातर देखेंगे आप सॉयल में क्या करी आती है कि जो यूरिया खाद डाली आती है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं ठीक है लेकिन माइक्रो माइक्रो पूछा गया माइक्रो तो मतलब जो कम अमाउंट में जरूरत होती है जिस चीज़ की तो ये है जिंक ठीक है तो जिंक जो है ये बहुत ही कम प्रेजेंट है हमारे सॉइल्स में नेक्स्ट में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया सॉयल वाटर अवेलेबल टू प्लांट इज मैक्सिमम इन देखिए सॉयल का वाटर जो है वो सबसे ज्यादा किस में अवेलेबल होता है कौन सी सॉयल में अवेलेबल होता है ये आपको पता है तो एक क्ले सॉयल में अवेलेबल होता है नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज लेस देन 0.002 मिलीमीटर डायमीटर तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉयल के वो इससे छोटे हो जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एम एम से छोटे हों तो ऐसा किन ऐसा किन सॉयल में देखा जाएगा तो ये देखा जाएगा क्ले सॉयल्स में या क्ले सॉयल्स में

वही सेम क्वेश्चन है कि सेलिनिटी आ जाए या एल्फिनिटी आ जाए तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जिप्सम डाल दिया जाए सॉइल में नेक्स्ट पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अ फर्टाइल सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉमन क्रॉप्स इज लाइकली टू हैव पीएच वैल्यू देखिए अगर कोई भी सॉइल है उसमें अगर कोई भी क्रॉप उगाना है तो उस सॉइल की पीएच क्या होनी चाहिए तो छ से सात होनी चाहिए तो सी ऑप्शन इसमें सही है नेक्स्ट में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेक एसिडिक सॉयल कल्टिवेबल अब देखिए कोई भी सॉयल अगर एसिडिक है ठीक है तो उस पर कल्टिवेशन आसानी से नहीं हो सकता है तो उसको कल्टिवेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसमें बेस थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा और बेस इसमें क्या दिया गया बेस दिया गया है आपका लाइम ठीक है चूना भी कह सकते हैं नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर में कहा गया इन इंडिया मैक्सिमम एरिया इज फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ अब देखिए एल्क् एरिया मतलब जहां पर बेसिक हो ठीक है जहां पर सॉइल क्या हो बेसिक हो ये कहाँ देखा जाता है तो ये उत्तर प्रदेश में देखा जाता है तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट में आते हैं इंडिया लार्जेस्ट एरिया ऑफ सलाइन सॉइल अब देखिए सॉइल सबसे ज्यादा नमकीन हो सलाइन हो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा तो ये देखने को मिलेगा कोस्ट के पास में मतलब गुजरात में देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट में आते हैं सेलेनाइजेशन अकर्स व्हेन दी इरिगेशन देखिए सेलेनाइजेशन मतलब ये हुआ कि जब सोइल में सॉल्ट का कंटेंट बढ़ जाता है ऐसा कब होता है जब इरिगेटेड वाटर एक्युमुलेटेड इन दी सोइल वापोरेट देखिए जब वाटर इवापोरेट होगा तो क्या होगा कुछ ना कुछ सोइल का जो सॉल्ट का जो कंटेंट है वो नीचे छोड़ के चला जाता है ठीक है मिनरल्स के कंटेंट को नीचे छोड़ के चला जाता है व्हाट आर दी इफेक्ट्स ऑफ सेलेनाइजेटिंग ऑन दी इरिगेटेड लैंड अब देखिए अगर मान ली सॉल्ट आ गया इरिगेटेड लैंड पे तो क्या होने वाला है ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है ठीक है तो इससे होता क्या है कि जो सॉयल होता है सॉयल के जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसेस का मतलब एक एक्सचेंज एक होता है ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं तो इट मेक्स द सॉयल इम्परमल इम्परमिएबल का मतलब ये होता है कि जो सॉयल में छोटे छोटे से छेद थे वो भर गए तो जो गैसेज हैं उनका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर्थ में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर टी प्लांटेशन अब टी प्लांटेशन के लिए याद रखिएगा सबसे ज्यादा एसिडिक सॉइल अच्छी होती है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं थर्टी फिफ्थ में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज प्रॉब्लम ऑफ इरोजन तो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है तो ये मुरैना में देखने को मिलती है थर्टी सिक्स पे आते हैं वन ऑफ 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 द फॉलोइंग टाइप इरोजन इज फॉर फॉर्मेशन चंबल रिवाइंस अब देखिए चंबल रिवाइंस के फॉर्मेशन के लिए अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा इरोजन है किस इरोजन से हो रहा है तो एक गली इरोजन से हो रहा है तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है इन विच ऑफ द फॉल्विंग एरियाज इन इंडिया ऑफ सॉइल इरोजन इज क्रिटिकल अब देखिए कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर सॉयल इरोजन की प्रॉब्लम भारत में सबसे ज्यादा है तो अगर यहाँ पर देखा है फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंजेस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है नेक्स्ट में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज मोस्टली अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन इन इंडिया फिर वही देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर शिवालिक वाला ऑप्शन नहीं है इसमें चंबल वैली है तो चंबल वैली सही हो जाएगा नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन में कहा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन प्रोसेस ऑफ इरोजन फ्रॉम दी फॉलोइंग देखिए किस ऑर्डर में सॉइल इरोजन होता है तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे सबसे पहले कौन सा होता है तो सबसे पहले होता है स्प्लैश इरोजन ठीक है स्प्लैश सबसे पहले होगा तो इसमें अगर देखा जाए स्प्लैश सबसे पहले हो रहा है फिर शीट होता है फिर रिल होता है फिर गली होता है तो ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल सही है फोर्टी क्वेश्चन में कहा गया लैंड टेंस टू इरोड मोस्ट रेपिडली वेन प्लांटेड विद देखिए सबसे तेजी से जो इरोजन होता है फार्म में या खे, खेती में खेत में सबसे तेजी से इरोजन कब होगा जब उसमें सोरघम लगा दिया जाता है ठीक है और मेनली अगर देखा जाए तो इसका शुगर केन भी होता है शुगर केन अगर आप किसी भी फील्ड पर लगा देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पानी खींचती है इसीलिए क्या कह सकते हैं कि सबसे तेजी से इरोजन होता है जब इसको उखाड़ा जाता है तब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेथड टू अटेन सॉयल फर्टिलिटी अब सोयल फर्टिलिटी अटेन करने के लिए कौन सा मेथड नहीं है तो क्रॉप रोटेशन से नोटेशन नहीं क्रॉप रोटेशन है इससे होता है मिक्सड कल्टिवेशन से भी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है मल्टीपल क्रॉपिंग से भी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी लेकिन सीड मॉडिफिकेशन से सॉइल फर्टिलिटी का कोई असर नहीं होगा नेक्स्ट में कहा गया द रोटेशन ऑफ इज रेसेंशियल फॉर देखिए क्रॉप रोटेशन क्यों जरूरी है की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रॉप रोटेशन जरूरी होता है क्या है, है एफॉरिस्टेशन से पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगा के सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है सॉइल इरोजन कैन बी चेक्ड बाय देखिए चेक्ड का मतलब होता है प्रिवेंशन कैसे रोका सकता है सॉइल इरोजन को एफॉरिस्टेशन करके नेक्स्ट पे आते हैं विद रेफरेंस टू सॉइल कंजर्वेशन ठीक है सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ बातें दी गई हैं आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जो चार मेथड है इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिससे कंजर्वेशन भारत में किया जा सकता है ठीक है तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो क्रॉप रोटेशन किया जाता है बिल्कुल ठीक है टेरेसिंग करी जाती है विंड ब्रेक्स लगाए जाते हैं लेकिन सैंड फेंसर का यहाँ कोई काम नहीं है तो यहाँ पर वन थ्री फोर जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा तो वन थ्री फोर मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट भारत में जो सॉइल इन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है ये आपको यहाँ पर बताना है ठीक है तो भारत में जो सॉयल इन हो रहा है वो टेरिस कल्टिवेशन की वजह से हो रहा है डिफोरेस्टेशन की वजह से हो रहा है ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी गलत है तो इसमें केवल सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है फोर्टी सेवेंथ पे आते हैं इसमें कहा गया तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन अब देखिए वाटर कंजर्वेशन में कौन कौन सी प्रैक्टिस हेल्प कर सकती हैं तो रिड्यूज रे, रे, ऑन जीरो टेलेज ऑफ द लैंड बिल्कुल ठीक है जिप्सम अप्लाई किया जाए इरीगेटेड लैंड पे ठीक है दूसरा है बोला गया जिप्सम अप्लाई करने पे तो जिप्सम का कोई भी काम नहीं है अलोइंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन द फील्ड बिल्कुल ठीक है क्योंकि मॉइस्चर रुका रहेगा तो यहाँ पर वन और थ्री जो है वो सही हो जाएंगे नेक्स्ट पे आते हैं फोर्टी एट में कहा गया है द रीगर सॉयल ऑफ डेकन ट्रैप आर ब्लैक इन कलर तो जो डेकन ट्रैप है उसको ब्लैक सॉयल कहते हैं रीगर सॉयल को ब्लैक सॉइल कहते हैं इनका कलर ब्लैक होता है बिल्कुल ठीक है ठीक है दे आर रिच इन ह्यूमस तो ह्यूमस की वजह से नहीं होता है ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि इसमें फेरस ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं इसमें फेरस ऑक्साइड होते हैं ठीक है और अगर आप रेड सॉयल में देखेंगे तो रेड सॉयल में क्या था फेरिक ऑक्साइड था ठीक है दो अलग अलग आप देखेंगे यहाँ पर चीजें हैं फेरिक ऑक्साइड की वजह से कलर रेड होता है और फेरस ऑक्साइड की वजह से कलर क्या होता है ब्लैक होता है ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर तो इसमें क्या सही हो जाएगा पहला सही है दूसरा गलत है नेक्स्ट में कहा गया ब्लैक आर सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन बिल्कुल ठीक है दे आर रिच इन ह्यूमस गलत है ह्यूमस में रिच होने की वजह से नहीं ये सॉयल जो वाटर की रिटेंटिविटी इसमें प्रॉपर्टी है वाटर को रिटेन करने की प्रॉपर्टी है इसकी वजह से जो ब्लैक सॉयल होता है बहुत ही अच्छा होता है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए तो इसमें भी अगर आप देखेंगे एसर्शन सही है और रीजन क्या है गलत है और फिफ्टीथ पे आते हैं फिफ्टी में देखिए क्या कहा गया एसर्शन दिया गया ब्लैक सॉइल इज सुटेबल वही सेम क्वेश्चन है तो ये सही है रिच इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर तो गलत है ठीक है तो इज इज करेक्ट रीजन फॉल्स क्स्ट में कहा गया right के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं आपको बताना है कौन सी बात सही है तो रेड कलर के होते हैं बिल्कुल ठीक है रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश तो देखिए भारत में कोई भी ऐसा सॉयल नहीं पाया जाता जो नाइट्रोजन में रिच हो तो यहां पर अगर देखा जाए कि जो नाइट्रोजन की बात करी गई क्वेश्चन फिफ्टी वन में ये तो बिल्कुल ही गलत है ठीक है ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है थर्ड में कहा गया देर वेल डेवलप्ड सॉइल राजस्थान उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है कहा पाई जाती है केरला में पाई जाती है महाराष्ट्र में पाई जाती है ठीक है तो ये भी गलत हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन क्या है टैपियो और कैश्यू नट्स ठीक है ये सही है ये दोनों चीजें उगती हैं यहाँ पर तो वन और फोर इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट में आते हैं फिफ्टी सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया एसर्शन दिया गया है परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया इन द टोटल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इज लेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बंगाल तो देखिए जो यहाँ पर बात कही गई है कि यहाँ पर जो परसेंटेज है नेट ऑन एरिया का कहाँ का आंध्र प्रदेश का वो किससे कम है वेस्ट बंगाल से कम है बिल्कुल ठीक है द सॉयल इज मोस्ट ऑफ आंध्र राइट सॉइल होती है आंध्र प्रदेश में भी बिल्कुल सही है लेकिन रीजन कुछ नहीं है तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा कि असर्शन रीज़न दोनों दोनों सही है ठीक है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है ठीक है बेटा नेक्स्ट पे आते हैं फिफ्टी थर्ड पे आते हैं इसमें देखिए कहा गया है दिया गया द हिमालयन आर रिच इन ह्यूमस तो क्या हिमालयन जो है वो ह्यूमस में रिच होती है तो बिल्कुल सही है ह्यूमस रिच होती है हिमालयन हिमालयन हैव हैव लार्जेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट का बिल्कुल सही है तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का तो बी ऑप्शन इसमें सही है नेक्स्ट में आते हैं फिफ्टी फोर में कहा गया द फॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टेरा रोसा टेस प्लेस इन द पार्ट ऑफ लैंड विच कंसिस्ट ऑफ अब देखिए टेरा रोसा का जो डेवलपमेंट होता है वो कहां पर होता है ऐसे पार्ट होता है जहां लाइम स्टोन प्रेजेंट होता है नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन में कहा गया सॉइल प्रॉब्लम सॉइल की जो लीचिंग है ठीक है प्रॉब्लम कहां पर है ये तो ट्रॉपिकल रेन फॉरस्ट में है. लीचिंग कहां पर होती है जहां पानी ज्यादा बरसता है जहां गर्मी ज्यादा होती है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा ठीक है कैपलरीज आर मोस्ट इफेक्टिव इन अब देखिए कैपेलरी सबसे ज्यादा इफेक्टिव किस में होती है तो लोमी सॉइल में होती है नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा गया कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज दी प्रोसेस इन विच अब देखिए सॉइल का कंजर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है तो सॉइल को बचाया जाता है खराब होने से हार्म हार्म होने से हेलोफाइट्स क्या होते हैं तो हेलोफाइट्स हेलो जब भी आपको वर्ड दिखाई पड़े तो आप समझिए इट इज रिलेटेड टू सॉल्ट ठीक है तो सैलाइन सॉइल्स हेलोफाइट्स कहा जाता है तो यहाँ पर फिफ्टी एट का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा फिफ्टी नाइन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग

ठीक है लास्ट पे आते हैं लास्ट में कहा गया अर्थवॉर्म आर नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर बिल्कुल ठीक है ये देखिए नॉट गुड दिया गया है ना तो गुड फॉर एग्रीकल्चर होते हैं तो ये तो फॉल्स है एसर्शन बिल्कुल ही गलत है और रीजन में क्या दिया गया रीजन में दिया अर्थ ब्रेक डाउन दी सॉयल इनटू फाइन पार्टिकल्स एंड मेक इट सॉफ्ट ये बिल्कुल सही है अर्थवॉर्म क्या करते हैं कि जो सॉयल होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं और सॉयल को सॉफ्ट बना देते हैं तो बिल्कुल सही है तो एसर्शन फॉल्स हो जाएगा और रीजन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा तो देखिए सिक्सटी क्वेश्चन थे बिना टाइम वेस्ट के हम लोग ने डिस्कस किए तो इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं बाकी के जितने भी से उसको प्ले में लगा दिया देख सकते हैं और अपना रिविजन कर सकते हैं फर्स्ट तो क्वेश्चन में कहा गया है तो आपको बताना है कि जो व्हाइट मार्बल है ताजमहल का वो किस पोल्यूशन से थ्रेटन हो गया है तो दैट इज एयर पोल्यूशन ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन टू क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं एयर कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज आपको पता होगा एयर में कई सारी गैसेज होती हैं ठीक है द मिक्सचर ऑफ गैसेस बाय वॉल्यूम अबाउट डैश परसेंट ऑफ दिस मिक्सचर इज नाइट्रोजन तो आपको बताना है नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है तो नाइट्रोजन जो परसेंटेज है वॉल्यूम में वो है सेवेंटी एट परसेंट तो इसका आंसर हो जाएगा सेवेंटी एट परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन थ्री में कहा गया है वेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवॉन्टेड सब्सटेंस विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ठीक है इट इज रिफर्ड टू एज डैश पोल्यूशन देखिए कंटेमिनेट कौन हुआ एयर कंटेमिनेट हुई किससे कंटेमिनेट हुई अनवांटेड सब्सटेंसेस से कंटेमनेट हुई है और वो हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी और इस टाइप ऑफ पोल्यूशन को कहते हैं हम लोग एयर पोल्यूशन ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं डैश प्रॉब्लम्स आर कॉज बाय एयर पोल्यूशन तो एयर पोल्यूशन से कई सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे अस्थमा है ब्रोंकाइटिस है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फाइव व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक तो आपको बताना है व्हीकल्स कैसे पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं हमारे पास व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक तो फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड सेकंड ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड ऑप्शन दिया है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और फोर्थ ऑप्शन दिया है स्मोक तो सारे ही पोल्यूटेंट्स व्हीकल बहुत ज्यादा हाई लेवल में प्रोड्यूस करते हैं तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा द्वेशन सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं फाई द इन करेट स्टेटमेंट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है वो आपको बताना है फर्स्ट कहा गया है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल तो पेट्रोल एंड डीजल के क्या इनकम्प्लीट बर्न होने से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो बिल्कुल सही है नेक्स्ट कहा गया इट इज अ पॉइजनस गैस बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होती है ये भी सही है दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गए थर्ड में कहा है इट इंक्रीजेज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड तो ये इंक्रीज नहीं करता है ये डिक्रीज करता है रिड्यूस करता है तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन में रिड्यूस दिया गया वो सही है ठीक है तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है ठीक है नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कहा गया है इफ़ द व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन डेली आर लाइंड अब देखिए अगर जो डेली में व्हीकल्स रजिस्टर्ड इतनी सारी हैं कि अगर उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया जा जाए तो क्या बोला गया है कि उनकी जो टोटल लेंथ होगी वो अप्रॉक्सिमेटली इक्वल हो जाएगी किसके टू लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड के जो कि नाइल और एमेजॉन रिवर है ठीक है तो जो स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल ही सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है ठीक है स्मॉग विच इज मेड अप ऑफ फॉग एंड स्मोक बिल्कुल सही है ठीक है स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो सकता है स्मोक में ठीक है विच कम्बाइंस विद अदर एयर पोल्यूटेंट्स एंड फॉग टू फॉर्म स्मॉग और वो स्मॉग को फॉर्म करेंगी और अदर एयर पोल्यूटेंट्स के साथ कंबाइन कर जाती हैं ठीक है थीके? दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं थर्ड देख लेते हैं थर्ड में क्या कहा गया है द स्मॉग कॉजेज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज सच एज अस्थमा कफ वीजिंग ठीक है इन चिल्ड्रन तो बहुत सारे डिफिकल्टीज कॉज करती है ये स्मॉग तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है तो कोई भी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट नहीं है तो इसमें आ जाएगा नन ऑफ दी अबव ठीक है कोई भी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट नहीं है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन पेट्रोलियम रिफाइनरीज पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूशन लाइक तो आपको बताना है कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज कैसे गैसियस पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन है डैश इज प्रियूज बाय कम्बशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट तो जब कम्बशन ऑफ कोल होता है ठीक है कम्बशन ऑफ फ्यूल जैसे कोल का होता है तो उससे जो पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होते हैं वो आपको बताना है कौन सा है तो जो पोल्यूटेंट प्रोड्यूस होगा दैट विल बी मेनली सल्फर डाई ऑक्साइड ठीक है हालांकि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है लेकिन ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या है विच ऑफ़ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ इरीगेशन शुड बी यूज टू सेव वाटर तो सेव वाटर को बचाने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए तो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम यूज़ करना चाहिए ड्रिप इरीगेशन में ड्रॉप बाई ड्रॉप हम लोग क्या करते हैं वाटर प्रोवाइड करते हैं और रूट्स को प्रोवाइड करते हैं जिससे वाटर का कंजर्वेशन होता है वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है ठीक है बहुत अच्छा इरीगेशन सिस्टम माना जाता है और हाँ मेन उन इलाकों में ये लगाया जाता है जहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सी एफ सीज आर यूज इन रेफ्रिजरेटर्स एयर कंडीशनर्स एंड स्प्रेज बिल्कुल कंडीशन स्प्रेस डेमेज डैमेज द ओजोन लेयर ऑफ ये भी बिल्कुल सही है नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा देखिए आगरा के अराउंड जो इंडस्ट्रीज हैं बोली गई कौन कौन सी हैं तो रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है केमिकल्स है जो कि और आ, साथ ही साथ यहाँ पे मथुरा ऑयल रिफाइनरी भी है ये भी स्टेटमेंट क्या है तीनों स्टेटमेंट सही है फोर्थ का है सी एफ सीज क्लोरोस कार्बन तो ये कार्बन कंटेन करेगा बिल्कुल कंटेन करेगा इसका मतलब इसमें भी कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है सारे के सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल डैश रेज ऑफ द सन तो हार्मफुल कौन सी रेज आती है जिसको ओजोन लेयर रोक देती है ठीक है तो ओजोन लेयर प्रिवेंट करती है यूवी रेज को अर्थ में ज्यादातर आने से ठीक है तो यूवी रेज यू सही, सही आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फर्स्ट कहा गया सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बिल्कुल सही है देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है एच टू एस ओ फोर फॉम्ला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का लिख देते हैं एच टू एस ओ फोर और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है वाटर के साथ में तो क्या फॉर्म करती है ये नाइट्रिक एसिड फॉर्म करती है तो ये ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बी ऑप्शन देख लेते हैं एसिड्स ड्रॉप डाउन विथ रेन मेकिंग द रेन एसिडिक अब देखिए जब वो एसिड नीचे गिरेगा रेन के थ्रू तो उसको एसिड रेन बुलाता है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोनों स्टेटमेंट सही हो गए थर्ड एसिड रेन करोड्स द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट देखिए जो एसिड रेन है जैसे ताजमहल का मार्बल है उसको करोड कर रहा है और इस फिनमना को कहा जाता है मार्बल कैंसर बिल्कुल सही स्टेटमेंट ये भी है और जो डी ऑप्शन दिया गया उसमें कहा गया है पी ऑफ एसिड रेन इज ट्वेल्व तो एसिड रेन का पी एच नहीं हो सकता एसिड रेन का पी एच से हमेशा कम होगा क्योंकि एसिड जो होती है एसिड का पीएच हमेशा सेवन से कम होता है एसिडिक पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है तो ये स्टेटमेंट कौन सा गलत होएगा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है क्वेश्चन देखते हैं क्या है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स सच एज सूट एमिटेड बाय मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स येलोइंग ऑफ मार्बल तो मार्बल जो येलो हो रहे हैं आगरा के ताजमहल के वो किसकी वजह से हो रहे हैं मेनली तो वो मथुरा ऑयल रिफाइनरी से हो रहे हैं आई ओ सी एल की ऑयल रिफाइनरी है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है ग्रीन हाउस इज़ अ नर्सरी और एल्स वेयर रिकॉल दैट सनस हीट इज़ अलाउड टू गेट इन बट इट इज़ नॉट अलाउड टू गो आउट तो देखिए ग्रीन हाउस की बात करी गई है ग्रीन हाउस एक नर्सरी की तरह होती है सन सीट जो है वो अंदर तो आ जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है नेक्स्ट कहा गया है द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस बाई द अर्थ एटमोसफेयर इज सिमिलरिटी टू नर्सरी दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट तो देखिए जो रेडिएशंस जो ट्रैप हो रही हैं रेडिएशन अर्थ एटमोसफेयर में बिल्कुल उसी नर्सरी की तरह काम करता है ठीक है नर्सरी की तरह ही हमारा अर्थ का एटमॉसफेयर काम कर रहा है इसीलिए इस इफेक्ट को क्या कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहा गया है सी कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं मीथेन ऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट मतलब ये जो गैसेज दी गई हैं थोड़ा सा स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया है लेकिन ये सारी गैसेज लिखा हुआ है क्या ये कंट्रीब्यूट करती हैं ग्रीन हाउस गैस हैं बिल्कुल सही है ये सारी की सारी ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर तो अर्थ एटमोसफेयर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन 18 देख लेते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल्स राइज ड्रामेटिकली तो देखिए बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जो आइस कैप्स हैं जो उसमें बर्फ जमी हुई है वो धीरे धीरे करके गलेंगी और जो सी लेवल होगा वो अचानक से बढ़ जाएगा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इन मेनी प्लेसेस कोस्टल एरियाज हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड तो बहुत सारे कोस्टल एरियाज हैं जो अभी से ही फ्लडेड हो गए हैं अभी से ही बाढ़ आ चुकी है नेक्स्ट इज बी ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग को रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स ऑन रेनफॉल पैटर्न देखिए रेनफॉल पैटर्न्स में इफेक्ट पड़ सकता है एग्रीकल्चर में इफेक्ट पड़ेगा फॉरेस्ट में प्लांट में एनिमल में सबका इसका बहुत ही ख़राब असर पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का दोनों ही ऑप्शन सही हैं थर्ड में कहा है मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन रीजन्स विच आर थ्रेटन बाई ग्लोबल वार्मिंग आर इन एशिया तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बात है कि एशिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है किसका ग्लोबल वार्मिंग का तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही हो गए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव नेक्स्ट एस क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन 19 देख लेते हैं द टेम्परेचर में राइज मोर देन दैश डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ सेंचुरी तो अगर सेंचुरी एंड खत्म होगी तो हम बताए पूछ, बत पूछा गया है कितना टेम्परेचर राइज हो सकता है तो एवरेज टेम्परेचर में जो राइज आएगा दैट विल भी अप्रोक्सीमेटली टू डिग्री ठीक है नेक्स्ट एस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न ठीक है ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट तो पूरे गवर्नमेंट में पूरी सरकारों में जित जितनी भी विश्व में सरकारें हैं सब में ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा कंसर्न है इसी पे ही ये कोटो क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी आपको बताना है इट इज़ रिलेटेड टू वॉट फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रीन हाउस गैस सेकेंड ऑप्शन इज ओजोन लेयर एंड थर्ड ऑप्शन इज गंगा पोल्यूशन तो जैसे कोयोटो प्रोटोकॉल की बात आती है तो ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर बात आती है अब ओजोन लेयर के लिए आप कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ओजोन लेयर के लिए कौन सी प्रोटोकॉल हुई थी या कौन सा कन्वेंशन हुआ था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स डिस्पर्ज इन एयर इज कॉल्ड देखिए सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स अगर हैं और उनको डिस्पर्ज किया गया है एयर में तो उसको क्या कहा जाता है तो इसमें ट्वेंटी फर्स्ट में जब आप देखेंगे आंसर तो क्या उनको ऑक्साइड्स कहते हैं बेसिस कहते हैं उनको कहते हैं एरो सौल. तो इसका आंसर हो जाएगा एरो सौल्स. ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट कहा गया दिल्ली वाज वन ऑफ़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड बिल्कुल सही है और आज भी है इट वाज बीइंग चोक्ड बाय फ्यूम्स रिलीज्ड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल ठीक है तो बिल्कुल सही ये भी है ठीक है बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल थे तो बहुत ज़्यादा डीजल और पेट्रोल निकलता था उनसे थर्ड ऑप्शन दिया गया है डिसीजन वॉज टेकन अ डिसीजन इन डेली वॉज टेकन टू स्विच टू फ्यूल्स लाइक सी ठीक है तो सी में सब लोग आ गए मतलब ये कहा गया कि डीजल की व्हीकल्स जो हैं जो पेट्रोल के व्हीकल्स हैं उनका यूज कम किया जाए और हम लोग किस में आ जाए सी के व्हीकल्स में आ जाए तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इनकरेक्ट पूछा गया फोर्थ स्टेटमेंट दिल्ली इज लीस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड ये इनकरेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री आइडेंटीफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर से वही है वेन एवर हार्मफुल सब्सटेंस सच एज सीवेज टॉक्सिक केमिकल सिल्ट एसेट्रा गेट मिक्सड विद वाटर द वाटर बिकम्स पोल्यूटेड बिल्कुल सही है नेक्स्ट कहा गया सब्सटेंस दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स ये भी बिल्कुल सही है थर्ड में कहा गया वाटर पोल्यूशन ऑफ गंगा रिवर इज लीस्ट इन कानपुर रीजन तो कानपुर रीजन में लीस्ट नहीं है क्या है मैक्सिमम है कानपुर रीजन में ये बात आप लोग को याद रखनी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर भोपाल ग्रैस ट्रेजडी अकर्ड ड्यू टू तो भोपाल गैस ट्रैजडी किसकी वजह से हुई थी तो लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट तो लीकेज हुआ था, था मिथाइल आइसोसाइनेट का जिसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इज मोस्ट हार्मफुल टू एक्वेटिक एनिमल्स तो एक्वेटिक एनिमल्स को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा हार्मफुल है तो इसका आंसर हो जाएगा हैवी मेटल आयंस तो हैवी मेटल आयन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स को ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स वाटर कंटेनिंग हाई सॉल्ट साल्ट तो अगर सॉल्ट कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है वाटर में तो उसको प्योरीफाई करने के लिए जो तरीका होता है वो कौन सा तरीका है आर टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन एन एम्बिशियस प्लान एक बहुत एम्बिशियस प्लान था टू सेव द रिवर द कॉल्ड गंगा एक्शन प्लान तो गंगा एक्शन प्लान पूछा गया है कब लॉन्च किया गया था तो इट वॉज लॉन्च इन नाइनटीन एटी फाइव भी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आइडेंटीफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फर्स्ट कहा गया है गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश हैज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेचेज ऑफ द रिवर बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट में कहा गया है देखिए क्यों बहुत ज्यादा कानपुर में पोल्यूटेड है गंगा क्योंकि पहली बात तो पोल्यूशन पुलू, इसलिए है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन के अंदर अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जैसे केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं लेदर फैक्ट्रीज हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं गंगा रिवर में बी ऑप्शन बोला गया है कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड टाउन्स इन द यूपी बिल्कुल सही है बी थर्ड बोला गया है कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कम्पेरेटिवली स्मॉल एंड फ्लो ऑफ रिवर इज वेरी स्लो देखिए कानपुर में जो वाटर का अमाउंट है गंगा रिवर में वो भी कम है ठीक है और साथ ही साथ जो रिवर का फ्लो होता है वो भी कैसा होता है स्लो होता है जिसकी वजह से गंगा और ज्यादा पोल्यूट हो जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है गंगा का ज्यादा पोल्यूशन होना कानपुर में और डी ऑप्शन दिया गया है कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर कंपेरटिवली लार्ज तो लार्ज नहीं है ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है ठीक है तो डी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कौन सा है तो इट इज़ डी डी टी डी डी टी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट तो आप लोग डी डी टी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट केमिकल्स दिए गए हैं जो हार्मफुल होते हैं ठीक है जैसे आर्सेनिक हो गया लेड हो गया फ्लोराइड हो गया ये भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं और प्लांट और एनिमल की लाइफ को ये भी कहीं ना कहीं नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचाते हैं ठीक है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फर्स्ट कहा गया है एक्सेसिव क्वान्टिटीज ऑफ केमिकल्स गेट्स वॉश ऑफ फ्राम द फील्ड्स ठीक है सही है नेक्स्ट इज दीज एक्ट्स एज न्यूट्रिय फॉर एलगे टू फ्लरिश ये भी सही है नेक्स्ट इज वंस दीज एलगे डाई दे सर्व एज फूड फॉर डीकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया ये भी सही है और फोर्थ दिया गया लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर बॉडी गेट्स यूजड अप विथ रिजल्ट इन इंक्रीज इन दी ऑक्सीजन लेवल तो यहाँ पे इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल नहीं होता है ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देती हैं वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट था जिसमें ऑप्शन नंबर डी गलत है ठीक है नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर थर्टी वन थर्टी वन में बोला गया है वाटर कंटेमिनेटेड विद सीवेज में कंटेन बैक्टीरिया वायरसेस फंजाए एंड पैरासाइट्स विच कॉज डिजीजेज लाइक कॉलरा टाइफाइड एंड जॉइंडस बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है तो इसका मतलब ये जितनी भी डिजीजेज हैं कॉलरा हो गया टाइफाइड हो गया जॉइंडस हो गया ये वाटर बॉन्ड डिजीजेज हैं ठीक है कंटेमिनेटेड वाटर से ये डिजीजे हो जाती हैं इंसानों में नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर थर्टी टू विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑक्साइड्स एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबिल्स ठीक है तो एग्जॉस्ट में कौन सी एलिमेंट uh, प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट होता है लेड बहुत खतरनाक एलिमेंट है लेड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इन द ब्लैंक्स द एयर कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगा यहाँ पे ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन डैश लेयर ऑफ एटमोसफेयर तो स्ट्रेटॉसफेयर हो जाएगा लिख देते हैं एच टी आर ए टी ओ एस पी एच ई आर ई स्टेटॉसफेयर ठीक है नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग तो इसको क्या कहा जाता है स्मॉग कहा जाता है ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर मैज द फॉलोइंग अब मैज द फॉलोइंग देखेंगे अगर आप पूरा एक मिनट जब पेपर आपको दिखा दें इसका ठीक है मैज द फॉलोइंग देख लीजिए फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है ग्रीन हाउस गैस तो ग्रीन हाउस गैस को आप किससे ज्वाइन करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो ज्वाइन हो जाएगी किससे कार्बन डाई ऑक्साइड से इंफ्रा रेड रेडिएशन क्या करते हैं तो इन्फ्रा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो है जाते हैं किससे कार्बन डाई ऑक्साइड से नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स विच इफेक्ट वेजिटेशन तो वेजिटेशन को कौन सा ऑक्साइड इफेक्ट करता है तो इसका जो आंसर है दिस इज़ नाइट्रोजन ऑक्साइड ठीक है सल्फर डाइऑक्साइड क्या करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड एक पोल्यूटिंग गैस है तो इसका आंसर बी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट इज कंडेंस्ड वाटर वाटर वेपर इन एयर ये क्या करेगा तो कंडेंस्ड वाटर वेपर इन एयर अगर आप इसको देखेंगे कंडेंस्ड वाटर वेपर इन एयर क्या करेगा कंडेंस्ड वाटर वेपर इन एयर करेगा इसको कहा जाएगा फॉग ठीक है अस्थमा क्या करेगा अस्थमा कॉज्ड बाय फॉग स्मोक से अस्थमा हो जाता है और स्मोक क्या होता है स्मोक इज स्मोक फॉग और फ्यूम से स्मोक कहलाता है ठीक है तो इस तरीके से द कॉलम हमारा अला हो जाएगा नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। थर्टी फाइव क्वेश्चन थर्टी फाइव देख लेते हैं क्वेश्चन थर्टी फाइव में कहा गया है आइडेंटिफाइड ट्रू और फॉल्स इसमें बताना है ट्रू और फॉल्स क्या है सी ओ इज पॉइजनस गैस बिल्कुल सही है सी एफ सी आर नॉट इन यूज इन ए सी गलत है क्योंकि सी एफ सी को यूज़ करते हैं इन्फ्रा रेडिएशन आर ऐबॉर्ब बाई ऑक्सीजन ये गलत है ठीक है नेक्स्ट इज यू वी रेडिएशन आर ऑब्जॉर्ड बाई ओजोन ये सही है नेक्स्ट बोला गया एस ओ टू एन ओ टू ये पोल्यूटिंग गैस होती है तो ये भी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक्जैम्पलर के कुछ क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस वन ऑफ द गैस इज ज पार्ट ऑफ एयर परसेंटेज पार्ट ऑफ द एयर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन तो किस गैस की बात हो रही है ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन उसमें क्या नहीं होगा तो विंड मिल अगर आप देखेंगे वो सोर्स एयर पोल्यूशन का नहीं है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट भी है बर्निंग ऑफ फायरवुड भी है और पावर प्लांट भी है पावर प्लांट में कोल की बर्निंग होती है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री बूझो बूजो एक बच्चा है टू कंट्रीब्यूट तो इन रिड्यूसिंग डियू, एयर तो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में वो मदद करना चाहता है विच वहीकल शुड ही यूज फॉर गोइंग टू स्कूल तो स्कूल जाने के लिए उसको कौन सा व्हीकल यूज करना चाहिए कार यूज करेगा पोल्यूशन होगा स्कूल बस यूज करेगा पोल्यूशन होगा स्कूटर यूज करेगा पोल्यूशन होगा लेकिन ऑटो रिक्शा यूज करेगा तो पोल्यूशन नहीं होगा मतलब रिक्शा की यहाँ बात हो रही है ऑटो की बात नहीं हो रही है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू कंजर्व वाटर वाटर को कंजर्व करने के लिए कौन सा वे नहीं है ठीक है तो रिप्लेस नहीं है बाकी रिड्यूज रियूज और रिसाइकल तीनों ही वे होते हैं इसको थ्री आर्स भी कहते हैं ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन फाइव क्या है द टाइप ऑफ पॉल्यूशन विच इज लाइकली टू इफेक्ट ताजमहल तो ताजमहल को कौन सा पॉल्यूशन इफेक्ट कर रहा है तो वो है एयर पॉल्यूशन ठीक है एसेड रेन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल सच सचेस पेट्रोल एंड डीजल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा इनकम्प्लीट कम्बशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और कंप्लीट कंबशन से कार्बन डाईऑक्साइड बनती है ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन द फिनिना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू तो मार्बल कैंसर किसकी वजह से होता है अभी हम लोग ने देखा था एसिड रेन की वजह से होता है नेक्स्ट एस क्वेश्चन नंबर एट पोटेबल वाटर पोटेबल का मतलब होता है जो फिट होता है ड्रिंकिंग के लिए ठीक है प्योर एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इसका आंसर हो जाएगा पोटेबल वाटर इज अ वाटर विच इज प्योर एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग परेशन नाइन विच आर द फॉलोइंग प्रोसीजर्स विल गिव यू वाटर फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज सारी इंप्योरिटीज से अगर हमको वाटर फ्री चाहिए फिट चाहिए तो हम लोग को कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा डिस्टिलेशन यूज करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट एज क्वेश्चन नंबर टेन अपॉन्ड कंटेन्स क्लीन वाटर एक तालाब है जिसमें साफ पानी है विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल प्रोड्यूस लीस्ट पॉल्यूशन ऑफ वाटर तो लीस्ट पॉल्यूशन कौन प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ पे वॉशिंग क्लोथ्स इन पॉन्ड ये तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है एनिमल बाथिंग भी क्रिएट करता है वॉशिंग मोटर व्हीकल इन पॉन्ड ये भी क्रिएट करेगा लेकिन स्विमिंग इन पॉन्ड बहुत कम ही पोल्यूशन क्रिएट करेगा ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इलेवन ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द पोल्यूशन ऑफ अवर इन्वायरमेंट लैक्स ऑफ ट्रीज आर बीन प्लांटेड बाई पीपल इन द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर आपको पता होगा जुलाई में थोड़ी बहुत बरसात होती है जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रीज प्लांट किए जाते हैं और इस महोत्सव को क्या कहते हैं दिस इज कॉल्ड वन महोत्सव ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस आपको बताना है कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है बाकी तीनों की तीनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं